महर्षि देवाल, देवाल स्मृति, तो वो 77th century की बात है कि उन्होंने देवाल स्मृति बना करके रिकन्वर्शन के रूल्स कैसे ले डाउन करे, कैसे लोगों को वापस हेल्प करा, यू नो, टू गाइडेड देम, हाउ दे सपोर्टेड देम. देन देयर वाज ऋषि मेधातिथि, उन्होंने तो ही वेंट एज फार एज सेइंग करणवंतो विश्वम आर्यम, कि गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज. और यू नो वो ऋग्वेद का श्लोक है विच सेज कि पहले अपने आप को आर्य करो, मतलब नोबल करो, नोबल ऑफ दिस थिंग, एंड फिर जाकर के दूसरों को भी नोबल, दूसरों को नोबिलिटी सिखाओ. तो इन्होंने यही वाला स्लोगन दिया और कहा कि खाली यहाँ रह के लड़ने से नहीं चलेगा, अगर हम उनको बार बार भगा देते हैं बट बार बार दे कम बैक, सो यू इवन गो आउट एंड डू इट, बट एज फेट हैड टू, आवर डेस्टिनी हैड इट दैट वी हैड टू अंडरगो दिस, सो समहाउ बियॉन्ड अ पॉइंट we did not probably follow them. So Maharshi Deval, Acharya Medhatithi, Madhava Acharya, Ramanuja Acharya, Chaitanya Mahaprabhu, है ना, ऐसे हजारों हैं. फिर ऋषि, हमने दयानंद सरस्वती जी की बात करी, सावरकर ने किया, we talked about Swami Shraddhanand, ऐसे lots of sadhus, और आज तक भी it has continued शुद्धिकरण and getting your people back into the Hindu fold also has been done. Khokars were constantly attacked by Iltutmish and Balban. They were annihilated and but they gave trouble till the end of the years. Matlab wo unko satate rahe baad tak bhi. Aibak and Muizuddin attacked and plundered the salt ranges jo hain inke. Wahan par ja kar ke unko attack kara. Khokars stronghold jo tha. And some escaped into the dense jungles. But jo nahi kar sake, उनको मार दिया गया. अबाउट 4000 were taken captives. जैसे आज अगर आप पढ़ोगे ना खोकर ढूंढोगे तो आपको खोकर के नाम पे मुस्लिम ही आएगा, हिंदू नहीं आते. बख्तियार खिलजी ने किंग ऑफ बंगाल लक्ष्मण सेना को का ट्रेजर लूट किया, उसकी वाइफ ले गया, उसकी मेड्स ले गया, अटेंडेंट्स ले गया और जितनी भी विमेन थी वहाँ से ले गया बिहार से, एंड ऑल्सो लूटेड आर्म्स एंड हॉर्सेस एंड एनस्लेव्ड द हिंदूज. Iltutmish took large number of Hindu slaves, destroyed Mahakal Jyotirling in 1234, women were taken. In Ranthambore, Jalaluddin Khilji broke and looted temples and took captives, made a hell of a paradise, wo keh raha hai ki jo dharti par swarg tha uska usne nark bana diya tha. Turks can buy, acha wo ye dekho kitne chhati thok ke wo cheez kahi ja rahi hai, Turks can buy and sell Hindus whenever they please. To इतना वो था कि 50,000 स्लेव्स बॉयज अपने पर्सनल उसमें तो लेकर के बैठे हैं, इन हिज पर्सनल सर्विस. ये हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की बात. एंड 70,000 वर्कड ऑन हिज बिल्डिंग्स. अहमद शाह अब्दाली कैरीड अवे 22,000 वेमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द स्लेन मराठास. और टीपू सुल्तान ने कहते हैं कि 7,000 से 70,000 कुछ कैप्चर करें. अलाउद्दीन खिलजी कैप्टर 20,000 young girls and boys in Gujarat. Queen Kamala Devi was captured and sent to his harem. A handsome boy, young lad from Bankar in Gujarat, was forcibly taken and named him Malik Kafur. We all know it. Another Hindu boy was taken and he was named Hasan, who was given the title of Khusru Khan. Malik Kafur ne usko Khusru Khan ka title diya tha. जो बाद में रिकन्वर्ट हो गया हिंदुइज्म को और उसने अपने आप को हिंदू धर्म रक्षक का टाइटल दिया था. फिर जो फिरोज शाह तुगलक था उसने वो जो टर्क वाली हमने बात की देवश्रीम पॉलिसी की वही अप्लाई करी और हिंदू बॉयज़ को अबडक्ट करके और एनस्लेव करता था और ट्रेन करता था इन टू बिकमिंग जिहादीज. सो ये अबडक्टेड एनस्लेव्ड 1,80,000 स्लेव्स. फ्रेश बैचेज ऑफ स्लेव्स वर कॉन्स्टेंटली अराइविंग इन द स्लेव मार्केट ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज टाइम्स, ये कहा जा रहा है. अब आप ये देखो इब्न बताता क्या कह रहा है. सूफियों को भी, जो मैंने कहा कि सूफी इनसे शेयर भी लेते थे और लड़कियां भी, स्लेव गर्ल्स भी लेते थे. तो इब्न बताता क्या कह रहा है, वो ट्रैवलर है बहुत बड़ा, उसके अकाउंट्स हैं बहुत सारे. आई सॉ सम 300 कैप्टिव वुमेन ऑफ द रिबेल्स एंड वजीर ने मुझे भेजी 10 दिल्ली में जब मैं रुका हुआ था. आई गेव वन ऑफ देम टू द मैन हु ब्रॉट देम बट ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड. But my companion took 3. Okay. फिर तिमूर कहता है, नाम रखो अपने बच्चों का तिमूर. तिमूर कहता है, my brave fellows pursued and many kafirs and their children and their wives were taken as prisoners.
तो उसने कितने कैप्चर किए थे, 1 लाख दिल्ली में, कांगड़ा में 30,000 और एस्टिमेटेड 2.5 लाख कैरिड अवे फ्रॉम भारतवर्ष इन व्हाट इज नाउ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बजूर. वहां पे हिंदूज वर कैप्चर्ड, मैसेकर्ड, वाइव्स वर टेकन कैप्टिव, 30,000 हेड्स वर इरेक्टेड इन अ टावर. ये बाबरनामा कह रहा है. और वो ये कह रहा है कि आगरा में भी ऐसे ही हमने हिंदुओं के सरों से जो है टावर बनाई थी. अब्दुल खान उज़्बेक जो है वो कह रहा है कि 12,000 घोड़े, मतलब जो हम बात कर रहे थे ना अभी कि दे वुड एंटर द सिटीज एंड टाउन. जब आप कहते हो कि अरे क्या लड़ा नहीं हिंदुओं ने, ऐसे कैसे पकड़ लिया, तो कैसे कैसे जा रहे हैं टाउन में, शहर में. आज अभी एट दिस मोमेंट अगर 12,000 कहीं से फुट सोल्जर्स 20,000 प्लस 12,000 कितने हुए 32,000 अगर आज घेर लें आकर के इस कॉलोनी को, तो क्या कर लेंगे हम लोग. हमारे पास तो कोई वेपन नहीं है लड़ने के लिए. वी आर सिविलियंस या 12,000 हॉर्सेस 20,000 फुट सोल्जर्स इन कल्पी एंड कन्नौज एरिया अलोन डिस्ट्रॉयड ऑल टाउन्स, टुक ऑल देयर गॉड गुड्स, देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन एज स्लेव्स, बीहेडेड मैन एंड फिक्स्ड देयर हेड्स विद मोर्टर इन वॉल्स एंड पिलर्स. अब ये भी कह रहा है अब्दुल फजल जो है वो अकबर का कोटिया, वो कह रहा है ऑल मुस्लिम रूलर्स एंड गवर्नर्स used to proceed to villages and mahals without any justification, sack them and carry off inhabitants as slaves. Ab ek interesting, unfortunate but interesting fact ke Delhi mein rehne walon ke liye, jo Delhi ki Chor Minar tower hai Hauz Khas mein, usme 225 holes hain. Hindu chiefs were cut off and their heads were displayed in those 225 holes. To be seen by everyone every day, the heads of Hindu soldiers were piled into pyramid. ये कह रहे हैं आपके इन उनके अपने historians और written in the memoirs of their own sultans. और हम क्या कर रहे हैं दिल्ली में, अकबर रोड, लोधी रोड, बाबर रोड, फलाना रोड, चिराग दिल्ली नसर, या है ना, तो हम glorify करते हुए नहीं थक रहे हैं. हम मज़ारों को graves हैं वो, हम उनको चादरें भेजते नहीं थक रहे हैं. हम खुश हो रहे हैं भाईचारे पे और हम कह रहे हैं कि हमने एलईडी लाइट्स लगा दी फलाने मजार पे. ओके, जो आई फॉरगॉट टू मेंशन इट टू यू देयर, जो गाजी सलार मसूद की जो ग्रेव है वहाँ पे आज भी, कैन यू बीट इट, उसके उसके जो नाम वाम है कैसे बदल दिए गए. वो सूर्य कुंड था, वो बलक ऋषि का आश्रम था, वो वहाँ पे सूर्य प्रतिमा थी, और वो कुंड का क्या नाम है, जैसे कि काशी विश्वनाथ में हुआ, कुंड का नाम बदल के वट एवर होज कर दिया. देन को जो है गाजी मियाँ और कुछ कहा जाता है. देन उसकी आज भी जब आंधी तूफान चलता है ना, तो वो बड़े बड़े लोहे के चेन्स और ताले लगाते हैं, जिसे कहते हैं कि मैजिकल पावर्स हैं उन चेन्स में ऑफ इस्लाम, कुरान की मैजिकल पावर्स हैं, उससे वो रोक लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि सलार मसूद की जो स्पिरिट है वो आज भी आके गाजी मियाँ को परेशान करती है और गाजी मियाँ के मुरीदों को परेशान करती है. कैन यू बिलीव इट, डर देखो आज भी है इतना खतरनाक, जो कोई कोई पीछे छोड़ गया. और तुम कहते हो हमारे तो सब चूड़ियाँ पहन के बैठे थे, किसी ने लड़ाई नहीं था, ऐसा डर छोड़ गए थे जो आज तक दिमाग में भरा हुआ है. यस, सो नाउ आई थिंक आई विल कम टू माई नेक्स्ट सेक्शन, which is going to be कि religious sanction जो है वो जब जब आपने ये सब कुछ करके देख लिया कि conversions के सारे tactics अपना लिए, सारे जो भी slaves उठा करके ले जाओ, सब कुछ हो गया, अब क्या बचा. हनफी टेक्निक स्कूल ने जो ऑप्शन दिया कि जजिए का, तो ये कह रहे हैं कि अब जजिया को जस्टिफाई भी कर रहे हैं पहले तो अपनी किताबों से, और ये बता रहे हैं कि अगर उनको हिंदू रहना है तो उनसे टैक्स ले लिया जाए. किस किस तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं, टैक्स को कैसे रिसीव करना है, वो भी लेड डाउन रूल्स हैं इन देयर बुक्स. ठीक है, सो किताब कह रही है कि हिंदूज वर यूज्ड एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, एंड दे वर कॉल्ड धिम्मीज एंड दे वर सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन एंड डिग्रेडेशन. तो जजिया कैसे लिया जाएगा, उसका भी रूल है, जजिया शैल बी टेकन फ्रॉम द काफिर विद बिलिटलमेंट एंड ह्यूमिलिएशन. ठीक है, उसको ह्यूमिलिएट करके लेना है उससे. दिमी को जो है चल के पैदल आना, घोड़े पे चल के नहीं आएगा, वो खड़े रहना है जबकि कलेक्टर बैठा होगा. कलेक्टर उससे वो ले लेने के बाद, जजिया लेने के बाद उसका
सर पकड़ेगा या उसकी दाढ़ी पकड़ेगा या उसकी गर्दन से पकड़ेगा, उसका सर को शेक करेगा गर्दन से हिला करके और कहेगा पे जजिया, और उसको ले जजिया लेने के बाद उसको एक थप्पड़ लगाएगा या गर्दन के नीचे लगाएगा और उसको फिर भेज देगा। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि शुड द कलेक्टर, ये सारे इंटरप्रिटेशंस जो है ये काजी मुगिजुद्दीन जो दे रहा है, ये भी इंटरप्रिटेशन दे रहा है उसी 9.29 की। कह रहा है शुड द कलेक्टर विश टू स्पिट इन द माउथ ऑफ द धिम्मी, ही मस्ट ओपन इट। अब ये हो गया, रूल्स ले डाउन हो गए, ठीक है, कि कैसे लेना है। अब ये फार्म प्रोड्यूस के ऊपर भी जजिया लेते थे अलाउद्दीन, मतलब ये जजिया, मतलब जब इतना हैवी तुम जजिया ले लोगे किसी से, इतना टैक्स ले लोगे कि वो कुछ खा ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ये कान मरोड़ने उसका टेक्निक है कि जब बिल्कुल ही भूखों मरने लगेगा तो फिर वो उसको मजबूर होकर के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिरोज शाह जो है तुकलग, वो अपनी उसमें फिरोज शाही जो उसकी किताब है फुतूत ए फिरोज शाही, उसमें क्या लिखता है कि आई एनकरेज द इनफिडल्स टू रिसाइट कलमा एंड एम्ब्रेस इस्लाम टू बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम जजिया। ओके, फिर कुछ जो है हिस्टोरियंस क्या लिख रहे हैं कि पीजेंट्स वर कैरीड ऑफ, क्योंकि जब वो पे नहीं कर पा रहे थे तो उनको अपने पत्नी को और बच्चों को भी बेच देना पड़ रहा था वो पे करने के लिए टैक्सेस, जब वो भी नहीं कर पाते थे तब जाकर के कहीं वो कन्वर्ट हुए या नहीं भी हुए। सो अगर आप ये कह देते हो कि बड़े हैप्पीली कन्वर्ट हो गए, बड़े खुश हो गए, उससे बहुत इम्प्रेस हो गए और उसको दिल एक्सेप्ट कर लिया, ये सच नहीं है। यू कैन क्लियरली सी कि क्या क्या पैतरे आजमाए गए कि उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जब हम कहते हैं ना कि 20% सो कॉल्ड, अगर हम कहें कि आज हम 80 हैं और 20 वो हैं, और हम कहें कि अगर तब भी हम कहें कि 20% जो है वो कन्वर्ट कर दिए गए, मान लो 20% का भी फिगर हम पकड़ें तो भी 20% भी कितनी मुश्किल से हुए, इट वॉजेंट एन ईजी जॉब। अगर ये सब नहीं होता तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि ये इतने परसेंट भी होते। तो हिस्टोरियन एक क्या लिख रहा है मैनरिक कि पेजेंट्स वर कैरीड ऑफ टू वेरियस मार्केट्स फॉर बींग सोल्ड विद देयर पुअर वाइव्स बिहाइंड देम, रोती हुई पीछे बिलखती हुई गोद में बच्चे लेके वो पीछे पीछे चल रही होती थी और उनको ले जाया जा रहा होता था स्लेव मार्केट्स में बेचने के लिए टू मीट द रेवेन्यू डिमांड। और फिर बच्चे उनके कैसे ले लिए जाते थे, चिल्ड्रन ऑफ दोज हु वर अनेबल टू पे टैक्सेस वर कैरीड अवे एज स्लेव्स इन गोलकोंडा अलोन एट लीस्ट 20,000 यंग बॉयज वर कैस्ट्रेटेड इन 1659। सो बच्चे जो थे उसको भी ये प्रोड्यूस मानते थे, फार्म प्रोड्यूस पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इसको खरज कहते थे, हो सकता है कर्ज वहां से आया हो, 50-75% टैक्स देना है, ठीक है, 2/3 देना है अकबर के टाइम पे, 3/4 देना है शाहजहां के टाइम पे। तो इतने इतने टैक्सेस जब आप दे दोगे वो करोगे तो उनके पास बचेगा क्या करने के लिए। एक हो गया, अब ये डेमोग्राफिक चेंज कैसे आया, इन्होंने क्या क्या किया, जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह से इनके पास स्लेव्स हैं और किस कॉन्क्यूबाइंस कैसे हैं। ये तो राजाओं के हाल हैं, ये तो हम ऑलरेडी सुन चुके कि इतने सस्ते हो गए थे स्लेव्स की पोरेस्ट ऑफ द मुस्लिम हैड नॉट वन की बात नहीं हो रही, मैनी हिंदू कन्वर्ट्स एज स्लेव्स, मैनी हिंदूज एज स्लेव्स। या सो यहाँ पे राजाओं को देखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और कुरान और हदीत क्या स्टेट करती है इसके बारे में कि कैसे जस्टिफाई करती है उसको। वो कहती है आपको कॉन्क्यूबाइंस या स्लेव्स या सेक्स स्लेव्स क्यों लेनी है, जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन टू स्प्रेड इस्लाम, क्लियर इंडिकेशन है, देयर इज नो सेकेंड थॉट, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, द इंटेंशन द मोटिव इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो वट एवर वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट, वट एवर वी डिस्कस्ड सो फार विथ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ओन हिस्टोरियंस, हाउ डू यू थिंक कि जो DNA में चला आ रहा है 1400 सालों से, तुम कैसे कह रहे हो कि जो यहाँ रह रहे हैं वो अलग हैं, अब कुछ और सोचते हैं। इसका भी जो एंडिंग एंड पे मैं आपको बहुत अच्छे प्रूफ के साथ इसको एंड करूँगी विच इज कम नियरिंग कमिंग नाउ, कि क्या पर्पस है और क्या इंटेंशंस है और वो भी जो भी उनकी कंडीशंस है वो क्यों है। ओके, अकबर एंड जहांगीर हैड 5,000 कॉन्क्यूबाइंस इन द हरम, 5,000, शाहजहां हैड 6,000, अलाउद्दीन खिलजी हैड ओवर 1,000, मोरक्कन सुल्तान जो था एक मोले इस्माइल करके 4,600 कॉन्क्यूबाइंस थी, 1,200 बच्चे थे,
ओटोमान सुल्तान्स के हैरम्स 1921 तक भरे थे, 1921 रीसेंट भरे थे। नवाब ऑफ बावलपुर सिंध 1954 में जब वो इनकॉर्पोरेट हुआ इनटू पाकिस्तान, तब तक उसके हैरम में 4000 सॉरी यहाँ पे 400 आ गया है, 4000 कॉन्क्यूबाइंस उसके हैरम में थे। एंड अ वेरी रूड एंड अ वेरी शेमलेस कोट आई हैव अंडर इट, विद पूरा मैं पढ़ूंगी भी नहीं, फिट्स फिजिकल फिटनेस के भी क्लियर फतवा आलमगिरी में क्लियर वो है, रूल्स है, लॉ है, या व्हाट डू कॉल यू नो दिस थिंग है ऑफ व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। ओके, फिजिकल फिटनेस, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिसेबिलिटी जो है वो कंसिडर करी जाती है, और डिसेबिलिटी ये सब कंसिडर करी जाती है बिफोर बाइंग अ सेक्स स्लेव। माउथ एंड आर्मपिट ओडर इज अ डिफेक्ट, फीमेल विद दिस थिंग इज अ डिफेक्ट, शी कैन बी रिटर्न्ड एंड द मनी कैन बी रिफंडेड बिकॉज शी कांट गिव द वॉट एवर। ओके, वर्स्ट इज, यहाँ हुआ लड़कियों की बात, वर्स्ट इज द क्रूअल एंड जो हम 72 हूरों की बात करते हैं वो अकेली 72 हूरे नहीं है, 28 गिल में है, और वो गिल में होती है बॉयज, यंग बॉयज। सो ये भी यहीं से चला आ रहा है, ये जो इनका वर्स्ट जो बहुत ही जिसे डिह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट है उसे कहते हैं लार्ज स्केल, जो बच्चे जब बॉयज को कैप्चर करते थे, कैस्ट्रेशन ऑफ कैप्चर्ड स्लेव बॉयज एंड दे वर यूज्ड एज आइदर सेक्स स्लेव्स और यूज्ड एज गार्ड्स इन द हैरम। अब कमाल की बात यहाँ पे ये देखने की है कि इनकी किताब कहती है कि ये म्यूटिलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी हराम है, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? ये जूस को और क्रिश्चियंस को हायर करते थे टू ऑपरेट अपॉन दीज चिल्ड्रन। ओके, सो वेरी सैड। एंड अब इस पे एक क्या कहा जा रहा है, थॉमस ह्यूग्स क्या कह रहा है, ही इज यू नो गिविंग द रीजन और हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई डू यू थिंक इस्लाम मस्ट हैव स्प्रेड सो मच सो दैट इट इज टुडे। ही सेज के ल्योर ऑफ बूटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कैप्चरिंग लिमिटलेस विमेन फॉर सेक्स स्लेवरी मस्ट हैव और बिकेम अ सिग्निफिकेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मुस्लिम्स टू टेक पार्ट इन जिहाद सिंस द प्रॉफिट्स टाइम्स एंड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इलिमिटेबल इंडल्जेंस विच पॉपुलराइजेज इस्लाम अमंग्स द अनसिविलाइज्ड। सो अब एम ए खान है, ही इज रिटर्न टू हिंदू फेथ और लेफ्ट इस्लाम, ही इज रिटन दिस बुक कॉल्ड इस्लामिक जिहादी राइट्स, हिंदूज इन रिटर्न डिड नॉट हैव सफिशिएंट पार्टनर्स फॉर प्रोक्रिएशन। ऑब्वियस, वी नेवर, व्हाई डिड वी नेवर थिंक ऑफ इट, हाँ कि हमारे नंबर्स अगर कम हुए तो वो कैसे कम हुए, और यू ऑल द चाइल्ड बेरिंग एज लड़कियाँ आप उठा के ले जा रहे हो, आदमी यहाँ मार दे रहे हो, स्लेव बना के ले जा रहे हो, जो भी बचे हैं दे डोंट हैव सफिशिएंट चाइल्ड बेरिंग एज की गर्ल्स ही नहीं है टू यू नो प्रोक्रिएट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। नाउ क्या हुआ फिर हिंदुओं के साथ में, हिंदूज बिकेम ऐसे जब कुछ बचा ही नहीं, हिंदूज बिकेम एटम्स ऑफ डस्ट इन द लैंड कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स एंड दोज हु सर्वाइव्ड चेरिश्ड, जो भी बचा सर्वाइव्ड वो ऑब्वियसली एवर्जन्स यूज टू नर्चर, यू नो सिवाय हेट्रेड के वो कुछ कर नहीं सकता था, तो इनके लिए कोई रिस्पेक्ट, कोई ऑनर या कोई प्यार मोहब्बत उसके दिल में बचा हो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। देन इब्न बताता राइट्स, अब हम और भी क्या करा करते थे कि लड़ते थे, डिफेंड करते थे, अभी वी टॉक्ड अबाउट द इनिशियल 550 ईयर्स फ्रॉम सिंध टिल हिंदू शाहीज, सो इवन लेटर द किंग्स वेंट टू देयर टेरिटरीज एंड फॉट, they even instead of accepting Islam, Hindu warriors took refuge in inaccessible mountains near Multan and Aligarh when Qasim raided Sindh. Hindus from inaccessible hills made frequent attacks. वहाँ जा इसलिए hills में जा जा के छुप जाते थे और वहाँ से Muslim territories के ऊपर attack करते थे। और ये वाली जो मैंने आपसे बताया था कि which I shared with you earlier the रुतबिल्स व्हाट दे डिड की रिट्रीटिंग मुस्लिम आर्मी को ब्लॉक करा और यू नो मोस्ट ऑफ देम डाइड ऑफ थर्स्ट एंड हंगर एंड अ ह्यूमिलिएटिंग रैनसम वाज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द मुस्लिम्स बिफोर रिलीजिंग देम। और कैसे कैसे हमारे लोग लड़े, 30,000 खोखर्स जो है जाकर के लड़े विद अनंतपाल अगेंस्ट गजनी, 20
खोकर्स ने एंटर करके उसके कैंप को गोली गोली मार डाला। फिर मुबारक शाही जो है वो लिख रही है कि खोकर जसरथ सिंह, ये 1400 की बात हो रही है, टर्नड आउट टू बी द मोस्ट डेंजरस काफिर एनिमी ऑफ मुस्लिम्स। सो रेजिस्टेंस नॉट जस्ट द हिंदू किंग्स, द यू नो ट्राइब्स पीपल, कॉमन पीपल, सिटीजन्स, ब्राह्मिन्स, एवरीबडी, यू नो जाट्स, गुर्जर्स, देयर इज यू नेम इट, ईच एंड एवरीबडी फॉट कलेक्टिवली। We are fighting collectively even today. So do not say Hindus are not united. It is just that they lack information. So hum unko chain bana nahi pa rahe hain. That's it. We fight collectively anytime, even today for COVID, we are fighting collectively. So Khokars were constantly attacked by Iltutmish and Balban. This we've read earlier also. Some more proofs. Babar Nama se. Ki wo aise bhaag jate te chhod karke apna sara area aur apna sara region. के इनके लिए जो अटैक कर रहे हैं इन्वेडर जो आ रहा है इसके लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो बाबर नामा कह रहा है, नीदर ग्रेन फॉर अस नॉर कॉर्न फॉर आर हाउसेस, भूखा मरने को छोड़ देते थे इनको, वाज अवेलेबल इन विलेजर्स एंड द विलेजर्स आउट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स अस हैड रन अवे, सब भाग करके छुप गए और कुछ भी हमारे लिए छोड़ करके नहीं गए। फिर तिमूर कह रहा है, वी लर्नड ऑफ हिंदू डिफायंस फ्रॉम फॉरेस्ट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट द कंट्री, राजास एंड सॉलिटरी लैंड ओनर, जो मैंने कहा कि सब लड़ते थे, लिव इन द डीप फॉरेस्ट लाइक वाइल्ड बीस्ट, मतलब जंगलों में और पहाड़ों में जा जा करके भी छुप जाते थे कि मौका दिखेगा तो आकर के इनको मारेंगे। ओके, सो हिंदूज ऑफन अटैक्ड मुस्लिम आर्मीज फ्रॉम देयर जंगल हाइड आउट वेयर दे सर्वाइव्ड ऑन कोर्स ग्रेन्स एंड ट्री रूट्स। सो आई फील सो प्राउड ऑफ आर एंसेस्टर्स, सेज हू दैट वी नेवर फॉट, भूखे रह के जंगलों में कंद मूल खा के कुछ भी खा के अपने घर बार, अपने दरबार, अपने राजमहल छोड़ करके आपके लिए वो जंगलों से लड़ रहे थे। 1690 to 20, millions of Hindus fled to mountains and jungles and revolted. और जहांगीर ने क्या करा, वहां से हंड डाउन करके 200,000 पकड़ लिए और उनको इराक के वहां स्लेव मार्केट में जाके बेच दिया। दिस वॉज how we were resisting them. Ek part. See, when ek example of collective fighting. Six, agar aap keh rahe ho ki bhai ja raha tha, okay. To ye agar Aurangzeb ki baat ho rahi hai, to 17th century ki baat ho rahi hai, right? 17th century tak, agar aise mara kaata ja raha tha, convert kara ja raha tha, itte atrocities ho rahi thi, to bhai ja raha kider tha, jo kisi angrez ne kharaab kiya. 1679 में जिसने जो जजिया लगाया था, तो पूरे देश से दिल्ली में आकर के लोग फ्लड कर गए थे जजिया के अगेंस्ट और उन्होंने आकर के धरने दिए थे। औरंगजेब ने उनको डिस्पर्स करने क्या करा, घोड़े और हाथी उनके ऊपर छोड़ दिए एंड थाउजेंड्स वर ट्रैम्पल्ड एंड डाई। फिर क्या हुआ, हार के दे अग्रीड टू पे जजिया, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, दे डिड नॉट अग्री टू एक्सेप्ट इस्लाम, दे अग्री टू पे जजिया। फिर अब क्या होता था कि ये बहुत से लोग जब कोई प्रिंसिपैलिटी या कोई रीजन कोई एरिया कैप्चर कर लेते थे, तो वो फ्रॉम से फॉर एग्जांपल गजनी, दैट्स व्हाट ही डिड, सो दे यूज्ड टू यू नो जस्ट पुट अप सम हिंदू जिसको कन्वर्ट करके बिठा जाते थे और उसके बाद में दे यूज्ड टू रिटर्न, बट मेनी अ टाइम्स मोस्ट ऑफ देम the converts reconverted, like we talked about Kashmir also earlier, that they reconverted, so reconverted ko bhi maar dala. So for example Nawaz Shah, Hindu prince jisko chhod ke gaya tha, jab wo laut ke gaya to wapas wo reconvert ho gaya, ye baat alag hai ki later on they killed him. Harihar Bukka, we all of us know it, he is popular, ki 10 saal ke andar he reconverted and he overthrew the Islamic rule from South India and he founded the Vijayanagar kingdom. Some interesting things that I wanted to tell you about Khusru Khan, I talked to you about him earlier, कि एक तो दूसरा जो लड़का था जो हसन करके जिसका नाम रखा, जिसको बाद में मलिक काफूर ने खुसरू खान का टाइटल दे दिया, उसका देखो क्या लिखा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एंड इज मुस्लिम ऑफिसर्स, खुसरू खान किल्ड, अपना जो पेट्रन था मुबारक खिलजी, उसका बेटा खिलजी का, मुबारक खिलजी, उसको मारा और उसके ऑफिसर्स को मारा
और 4-5 दिन में प्रिपरेशन करके वापस से आइडल वर्शिप शुरू कर दी, और जहाँ जहाँ मस्जिदें थी सब जगह जा जा करके वो मूर्तियाँ लगा दी और जो है कुरानों को सीट बना करके बैठ गया। अभी यहाँ पे एक स्किन एस्केप करो, हम यहाँ कुछ इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ। ये खुसरू खान जो है गुजरात से पकड़ के लाया गया था, बच्चा बहुत सुंदर सा बच्चा था, उसको हसन नाम रखा। फिर अलाउद्दीन खिलजी पकड़ के लाया था उसको। अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के गुजरात के रूलर को जब मारा, पकड़ा, आई मीन कैप्चर किया वहाँ का राज, तो हिज वाइफ कमला देवी विच वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, उसके हैरम में पहुँच गई अलाउद्दीन खिलजी के, और उसकी जो बेटी थी वो राजा लेकर के भाग गया। सो राजा वॉज यू नो, क्योंकि इट वॉज अ कॉन्स्टेंट फियर लिंगरिंग, सो ही मैरिड हिज डॉटर टू वन स्टॉन्च हिंदू राजा रामदेव राव, उसके बेटे से उसकी शादी कर दी। बट अलाउद्दीन खिलजी पिक्ड हिम अप एंड पिक्ड अप द गर्ल ऑल्सो, हर नेम वॉज देवाल देवी। देवाल देवी को उठा करके लेके आ गया एंड ही मैरिड हर, उसको ही मैरिड हर टू खिजर खान हिज सन। फिर लेटर ऑन जब अलाउद्दीन खिलजी मार गया तो खिजर खान को मुबारक खिलजी ने मारा। मुबारक खिलजी वॉज द सेकेंड सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उसने मारा, और ये देवाल देवी बेचारी जो इसकी वाइफ बन चुकी थी, अब इसने इससे शादी कर ली, फोर्सफुली मैरिड हर। सो नाउ शी हैज द दिस आफ्टर द फर्स्ट हिंदू हस्बैंड, शी इज नाउ द वुमन ऑफ द सेकेंड इस्लामिक क्रूअल बारबेरियन। नाउ दिस, हाउ डिड मुबारक खान मैनेज टू किल दिस वन खिजर खान? मुबारक को कॉन्स्टेंटली दिस वन खुसरू खान, सॉरी खुसरू खान को कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बॉदर करती थी कि आई एम अ हिंदू, उसको रिमाइंडर था कि मुझे किसी ना किसी दिन वापस से आई हैव टू कम बैक टू माई ओरिजिनल फेथ। सो उसको मौका जैसे ही लगा, बिकॉज मुबारक खान वॉज अ यूजलेस गाय, ही न्यू इट कि दिस इज द टाइम, सो ही सपोर्टेड हिम एंड ही हेल्प्ड हिम एंड दैट इज हाउ ही मैनेज टू टेक बिकम द किंग। सो जैसे ही इसने गद्दी लिया तो किसी काम का तो था ही नहीं, ही वॉज इंडल्ज इन वाइसेस, सो ही लेट मुबारक हैंडल, सॉरी खुसरू खान हैंडल द राजपाट। खुसरू खान उसके लिए कैप्चर करता रहा, अटैक्स करता रहा, जो भी करता रहा, और ही वॉज फ्रॉम अ परियार और समथिंग इज द, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ट्राइब जहाँ से वो था। ही उसने अपने भाई को सुल्तान को बोल करके कि आई नीड प्रोटेक्शन एंड आई नीड हेल्प, तो उसको वो गुजरात के वो पर्टिकुलर बेल्ट का जहाँ से उसको लाए थे उसका गवर्नर उसको बना दिया अपने भाई को। एंड धीरे धीरे ही कलेक्टेड अबाउट 1,000 people विद इन द पैलेस, अपने लोगों को ला करके उसने रख लिया फॉर हिज प्रोटेक्शन, और इवेंचुअली 10,000 से ऊपर उसने हिंदूज को आर्मी में ले लिया। एंड देन ही रिक्वेस्टेड वन डे मुबारक को कि ये सब जो है कन्वर्ट होना चाहते हैं, ये पूरे 10,000 के 10,000 जो आर्मी में आ गए हिंदू, ये कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू बी सेफ, मैं बाहर नहीं करना चाहता, कुछ रिवोल्ट नहीं हो जाए, सो आई विल डू इट विद इन द पैलेस इफ यू परमिट, ही वॉज परमिटेड। तो ये तो ऑलरेडी दिन देख करके बैठा था, एंड जब से मुबारक बना था तब से ये देवाल देवी के भी क्लोज हो गया था। She also was nurturing that hatred for these people, and she also wanted to, you know, wash out her sins of being with these guys. She also wanted to reconvert and come back. So these two together, he proclaimed himself the Sultan, and he called himself Dharm Rakshak, Hindu Dharm Rakshak. और एक बहुत बड़ी सेरेमनी में उसने जो है पहले तो कूप करके वो जो सारे अंदर आई गए थे अपने लोग, तो उसको मार डाला मुबारक को, और उसके बाद में ही proclaimed himself the Sultan. He married Deval Devi. They reconverted, and post that they reconverted thousands and thousands upon Hindus, and also the Hindus who were captured earlier, the girls, the nieces, the wives of Hindus who were captured by various sultans and all, and that is how he, you know, reconverted all of them. Of course, he was later killed by Tughlaq. So this is how it happened. But don't say that we did not fight. Don't say that we did not try to come back to our faith. Don't say that we never resisted. So I will just come back to a couple of last slides and we are almost done. ये जहाँ हम counter attacks की बात कर रहे थे, so counter attacks में राजा जयपाल twice he went to Ghazni and attacked over there. So it is not that कि हमने अपनी territory भी नहीं छोड़ी. Do you know राजा भोज जब उसको पता चला पहली बार जब मंदिर सोमनाथ जी का मंदिर पहली बार जब तोड़ा गया, उनको एक हफ्ते बाद
ये रिपोर्ट मिली राजा भोज को. सो ही गैदर्ड हिज आर्मी एंड ही चेस दिस गाय राइट टिल गजनी. सो नॉट वन मेनी आर किंग्स हैव ललित आदित्य मेनी ऑफ आर किंग्स हैव गॉन बियॉन्ड आर बाउंड्रीज एंड हैव अटैक्ड देम एंड ऑल्सो दे हैव मेड ऑल एफर्ट्स टू रिकन्वर्ट आर पीपल. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था कि हम जितने परसेंट हैं वो होते अगर हम चुपचाप से हार गए होते इनके आगे और किसी ने भी लड़ा नहीं होता, किसी ने भी रिजिस्ट नहीं किया होता, किसी ने भी इनको वापस इनके कॉइन में जवाब नहीं दिया होता तो वी वुड हैव नॉट बीन व्हाट वी आर टुडे. सो अर्नो राजा व्हाट आई टॉक्ड यू अबाउट अर्लियर अजमेर में जिन्होंने अना सागर डैम बनाया था, ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ पृथ्वीराज सिंह चौहान. अनासागर लेक बनाया था, वो लेक बना करके आफ्टर ही यू नो आउस्टेड ऑल द इन्वेडर्स फ्रॉम हिज फ्रॉम अजमेर ही मेड दिस लेक. और उस लेक में उन्होंने बहुत से हजारों हिंदुओं को नहला करके शुद्धिकरण करके और पूजा पाठ करके वहाँ पे मंदिर भी बनाया था जिसकी प्रतिमा को इसने कलमा पढ़वाया कहता है वो चिश्ती कहता है. तो वो उनको वापस से ही केम गॉट देम बैक इन टू द हिंदू फोल्ड. राजा अमर सिंह जो जैसलमेर के थे उन्होंने अमर सागर करके लेक बनवाया और उन्होंने भी एक बहुत पॉम्पस सेरेमनी में रिकन्वर्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज करा. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि जब हम कहते हैं कि हमने क्यों नहीं अगर इन्होंने हमारा कोई प्लेस ऑफ वर्शिप तोड़ा तो हमने क्यों नहीं सिमिलर वे में रिएक्ट करा, हमने भी किया है, उसके भी हमारे पास प्रूफ्स हैं. औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर बहुत से मंदिर जोधपुर उदयपुर चित्तौड़ में सब करे जाकर के काफ़ी सालों तक ये लगातार चलता रहा. तो 1680 में टू एवेंज द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स अंडर द पावरफुल लीडरशिप ऑफ महाराणा जसवंत सिंह एंड दुर्गादास राठौर, इन दो की लीडरशिप में अबाउट 30 स्मॉलर एंड वन लार्ज मस्जिद was erected on the Hindu temples. जो हमारे destroyed temples थे उनके ऊपर वापस से temple खड़े करे गए उनकी बनाए हुए structure को तोड़ के. Babri was not the first one. As well as others were raised to the ground and temples were built on their sites. So this not one historian is saying, quite a few historians have mentioned it. We reconverted people, yeah. So at the least opportunities, ये भी इनकी तारीखों में लिखा हुआ है, at the least opportunities, the Hindu kafirs converted the Muslim women and married them in Hindu community. फिर क्या लिखा जा रहा है कि even in the most troubled times of Muhammad Ghazni's expedition, the king of Anhilwad carried away several Turkish, Mughal and Afghan women who were lingered behind. मतलब हार जाने के बाद उसके जो रह गई थी उनको ले गया उठा करके और कन्वर्टेड एंड मैरिड देम टू हिंदूज. देन कंप्लीटली कभी भी ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अपना राज, उसके लिए भी क्लियर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टर्बुलेंस नेवर सीम्स टू डिमिनिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ माई फादर और माई टाइम्स, देयर इज हार्डली अ प्रोविंस इन विच अ रिबेलियन डजंट अनफर्ल, देयर हैज नेवर एग्जिस्टेड अ पीरियड of complete reports. So this Akbar's son is telling you. We had talked about Maharishi Deval, Deval Smriti. So वो 7th century की बात है कि उन्होंने Deval Smriti बना करके reconversion के rules कैसे lay down करे, कैसे लोगों को वापस help करा, you know, to guided them, how they supported them. Then there was Rishi Medhatithi. Unhone to he went as far as saying Karan Manto Vishwam Aryam, ki go beyond your boundaries. Or, you know, Rigved ka shlok hai which says ki pehle apne aap ko Arya karo, matlab noble karo, noble of this thing, and phir ja karke dusron ko bhi noble, dusron ko nobility sikhao. To inhone yahi wala slogan diya aur kaha ki खाली यहाँ रह के लड़ने से नहीं चलेगा, अगर हम उनको बार बार भगा देते हैं बट बार बार दे कम बैक, सो यू इवन गो आउट एंड डू इट, बट एज फेट हैड टू आवर डेस्टिनी हैड इट दैट वी हैड टू अंडरगो दिस, सो समहाउ बियॉन्ड अ पॉइंट वी डिड नॉट प्रोबेबली फॉलो देम. सो महर्षि देवाल, आचार्य मेधातिथि, माधव आचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, ऐसे हजारों हैं. फिर ऋषि हमने दयानंद सरस्वती जी की बात करी, सावरकर ने किया,
We talked about Swami Shraddhanand. Aise lots of sadhus, or aaj tak bhi it has continued Shuddhikaran, and getting your people back into the Hindu fold also has been done. So one last slide. जो आपको अभी तक जो सुना और जो जो इसके पीछे जो कुछ भी है कि जिस चीज को आंसर ही नहीं कर पाते हैं कि why so much of illiteracy in this cult, why so much of ढीठता, why do they why are they so staunch, बहुत सारी चीजें तो हम इसमें देख चुके. Why do they not, you know, just become one with us? Why don't they even COVID for that matter? Why do they, why did they go spitting all around? Why did they not fight at least this epidemic with us, you know, as a family? So, ye kyun nahi karte hain? Aur ye jo constant struggle hai, which we were talking about Persia, Iran and Turkey. Teen log hain jinse aapas mein hi nahi sulajti hai ki who's the father of, you know, main, matlab, ye mera hai. Like, I am the, you know, बहुत रूड लगता है फांसी बाप ऑफ इस्लाम, यू नो. सो उनकी आपस की नहीं खत्म होती. और यहाँ एक है जो सडनली इन द लास्ट 10 इयर्स यू सी देम बड़ी दाढ़ी, सुरमा, टोपी, ऊंचा पजामा, नीचा कुर्ता, ये सब एट्रीब्यूट्स, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स की क्या जरूरत है, यू नो. लेकिन ये सडनली आ गया, गर्ल्स को इतने बड़े हिजाब लगाने हैं लेकिन लाल रंग की लिपस्टिक लगानी है. सो ये सारा कुछ करना है. ये अननेचुरल सी, एबनॉर्मल सी चीजें हैं. क्यों है ये, इनकी साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इनको उनको एप करना है. दे वॉन्ट टू शो आई एम ऑल्सो ट्रू फॉलोअर. सो इसके लिए इनके हिस्टोरियंस ने, और इनिशियली जो जो इनको इनके परपेटेटर्स थे जिन्होंने इनको कन्वर्ट किया, वो क्या कहते हैं, ये आखिरी स्लाइड में आप देखोगे. ये इनकी ट्रूथ है. ये कहा जा रहा है ज़ैनुद्दीन बारानी है. He is also a Sufi, and he is like we discussed, ki they were the teachers and they were the ones who would put forth the rules for the sultans to follow. So kya kaha ja raha hai ki teachers of every kind are sternly ordered not to thrust precious stones down the throat of low born dogs. What are the words they are using for them, for the converts? Wo keh raha hai ki ye low born dogs hain और कोई जरूरत नहीं है इनको बड़ी प्रेशियस, जिसको वो प्रेशियस समझते हैं अपनी वर्सेस को, अपने बुक की, वो कह रहे हैं इनके गले के नीचे डालने की, उनको जबरदस्ती पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. सारी चीजें उनको क्या पढ़ाना है, टीच देम नथिंग मोर देन द रूल्स ऑफ नमाज. तीन मेन चीजें इनको सिखा दो. आप अभी भी आज भी पढ़े लिखे से पढ़े मुसलमान को यहाँ पे पूछ लो तो वो कहेगा नमाज, रोजा, हज फर्ज है, हम क्यों, हम हमारे ऊपर वो कहेगा. तो उन्होंने खाली कह दिया कि इनको ये तीन चीजें सिखा दो और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इनको कोई रीडिंग राइटिंग सिखाने की जरूरत नहीं है. वो भी हमने एक वर्स में देख लिया कि कहा गया सुनना जो फॉलो करते हैं प्रॉफिट को, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानता है. और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पढ़ाना लिखाना, इनको पढ़ना लिखना भी नहीं सिखाना है. क्यों नहीं सिखाना है, क्योंकि ये लो बॉर्न है. टर्क्स और जो भी आए थे इनके परपेटेटर्स, वो अपने आप को ब्लू ब्लड कहते थे और इनको लो बॉर्न ब्लड कहते थे. और ये कहते थे लो बॉर्न जो ब्लड है, दे आर ओनली केपेबल ऑफ वाइसेस, दे आर वर्थलेस, दे आर शेमलेस एंड दे आर डर्टी ऑफ बर्थ, तो देर इज नो नीड. तो यहाँ पर ये भी जो है साफ क्लियर हो गया, क्लियर एज वाटर, क्लियर एज अ मिरर, क्लियर एज एनीथिंग, दैट whatever is the current state of these people is courtesy what was decided then by the perpetrators. So I think this is where I rest now. It has been so shaking up for me because I was born in that generation and time when Sufi bahut padha likha, Farsi bhi sikhi is chakkar mein. So that I could read Hafiz in original, could never do that, of course. मुझे ये पूछना है कि कुछ तो होगा ना कम्युनिटी में, सो दैट पीपल हु वर सो फोर्सिबली एंड सो बारबारिकली कन्वर्टेड इन एनी जेनरेशन, दे स्टेड देयर, दे डिड नॉट कम बैक, घर वापसी नहीं की उन्होंने. कुछ तो होगा तो नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि अभी भी आई डोंट नो, आई थिंक इन अ कपल ऑफ आवर्स वट एवर वी शेयर्ड इससे एटलीस्ट 1000 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन आई हैव एंड आई स्टडीड फॉर मेनी इयर्स.
कहीं से कहीं तक तो ये जस्टिफाइड तो पहली बात तो है नहीं, कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है इसमें। एक अनफॉर्चुनेट जो चीज मैं कहूंगी, एज बीइंग ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, धर्म को भी छोड़ दो, एक खाली ह्यूमन एंगल से उस एस्पेक्ट को देखो, लुक एट टुडेज वर्ल्ड, लुक एट द प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस, अचीव, बी हैप्पी, बी ब्यूटिफुल, यू नो बाय द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, लर्न द बेस्ट दैट ही कैन, जो भी आर्ट म्यूजिक जो भी सीखना चाहता हो, एक्सेल इन समथिंग और द अदर। वाई शुड अ कम्युनिटी, आई थिंक क्वेश्चन तुम्हारा या हमारा हर कोई जो सोचता है कि ये रिकन्वर्ट क्यों नहीं हुए या क्यों नहीं हो रहे, उसका क्वेश्चन रादर ये होना चाहिए कि ये सब क्यों नहीं करना चाहता है। जैसे बाकी लोग प्रोग्रेस करके बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं करना चाहता है? Am I right? ये अननेचुरल नहीं है? सवाल तो ये है ना, वापस आए या नहीं आए? अगर उधर भी रह रहा है तो ये नॉर्मल जीवन क्यों नहीं जीना चाहता है बाकी लोगों की तरह? एक बात, अब इसमें मैं एक आध एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यू नो इट दैट आई हैव बीन रनिंग माई रेस्टोरेंट, सो वी हैव हैड one of our restaurants in the mall, which is a very concentrated Muslim area, Kurla. So we on an average have at least one girl per day would come to us asking for a job, a Muslim girl. Okay, age between say 16, 17 to 20, 22 maximum. जब आप उसका बायोडाटा देखो या उससे बात करो, पूछो, पहली बात तो ये कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है, इट्स अ ग्लैमरस जॉब, ठीक है, अगर तरस खा के किसी को रख भी लें, कुछ सिखा भी लें, ट्रेन भी कर लें, तो पहले बायोडाटा अगर उठा के देखो, डिवोर्स है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, फलाना ढिकाना, ठीक है, 18-19 साल की, 20 साल की लड़की, डिवोर्स, यस, सेकेंड टाइम डिवोर्स, द वन गर्ल हु वॉज वेरी स्मार्ट, हु एक्चुअली ट्रेंड ऑन माई फ्रंट डेस्क, वॉज द मदर ऑफ थ्री, सो मैंने आज बड़ा बच्चा कितने का है, 15 साल आया, उस लाइक 15 साल का कैसे हो सकता तुम्हारा बच्चा, सो शी लाइक ये मेरे हस्बैंड का बेटा है, मतलब हस्बैंड की जो पहली शादी थी उसका बेटा भी ये पाल रही है, वो इसके दो बच्चे भी छोड़ के भाग गया, ये तीन तलाक दे करके, और ये तीन बच्चे पाल रही है, ओके, एंड शी इज यंग, सो अब ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरह के हम बहुत लड़कियों को रोज फेस करते हैं, तो बहुत लड़कियों को मिलते हैं और बहुत देखते हैं, समा योर हार्ट रियली वीप्स, सो व्हेन आई वुड, स्मार्ट भी हो गई, कुछ 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 ने सीखा, कुछ ने करा, दे वुड कम लेडन विद दिस ह्यूज बुरखाज एंड बिग बिग हिजाब्स एंड ऑल, सो कभी कभी बाकी लड़कियां स्टाफ किया, कभी कभी इवन आई वुड आस्क अ कपल ऑफ टाइम्स कि बेटा इतनी गर्मी है, तुम इतना काला काला, इतनी बॉम्बे की गर्मी में कैसे पहन के ये आते हो यार, तुम्हें यहाँ तो, तुम यहाँ आके तो यूनिफॉर्म ही पहन रहे हो ना, तो तुम नॉर्मल कपड़े पहन के आ जाओ, सलवार कुर्ता पहन के आ जाओ, और यहाँ पे क्या जरूरत है आकर करने की, तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? यू नो व्हाट इज द आंसर? 99.9% नहीं, 100% आंसर, अभी भी किसी को पूछ के देख लेना, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है? अगर अच्छा लगता है तो लाल लिपस्टिक और इतने बड़े बड़े हिजाब किस लिए लगाए हैं? ये जब तुम कुछ और फैशन नहीं कर पाते तो तुम ये फैशन कर रहे हो क्यों? फोर्स है ना, फोर्स क्यों है? क्योंकि आपको बचपन से ड्रिल कर दिया गया आपके दिमाग में ये चीजें, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि जब तुम किसी का भेजा निकाल के बाहर रख दो, उसमें खाली एक किताब फिट कर दो, उठोगे ऐसे, बैठोगे ऐसे, चलोगे ऐसे, खाओगे ऐसे, पानी ऐसे पियोगे, ये करोगे, गेट माई पॉइंट? सो आई थिंक कि इट इज जस्ट क्रिएटिंग रोबोट्स हु डोंट हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, दैट इज द ओनली रीजन, but there are people who do listen, very few in numbers, but those should be our this thing, I think that should be my answer. I would like to share something. For some time I practiced with a Buddhist which I will call cult. Bahut sare logo ne kya hoga wo, so lot of benefits, we only used to practice for benefits, okay, yeah. Getting this and overcoming obstacles and attaining goals. In that, what I realized was the support group that I got. Because as long as I was Hindu, agar main nahi ja rahi bhajan pe, kahin nahi ja rahi, kuch nahi kar rahi, then nobody is bothered. That's entirely my practice. So that is what I feel, ki jahan community hoti hai. Christians, I had a Christian boyfriend, jiska priest uske ghar aata tha birthday pe. So, humare paas kaun aata hai? I live alone, mereko to koi nahi poochta, zinda ho ya mar gaye ho.
So I think that support group in these Abrahamic religions is a big factor that keeps people there. And especially because when people are in such a bad shape, don't you think? Definitely, that could be one reason. But one thing that which every Hindu must never forget is ki this ours is a ye jo aajkal baat kari ja rahi hai ki Ram ji 7000 years ya 25000 years pehle aaye the ya BC pehle aaye the ya 3000 BC pehle Krishna ji aaye the. Agar hum apne shastron ko dekhenge to it is multi million years. Okay, and I am a strong believer. Dusri baat, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह हैं, कभी अगर समय मिलेगा तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. तो एक धर्म जिसे आप यूनिवर्सल धर्म या सनातन कहते हो, सनातन माने जो इटर्नल है, जो हमेशा से है. हमेशा से क्या है? फॉलिंग इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, विच इज अ नेचुरल थिंग फॉर एनीबडी टू डू. दैट इज वॉट द बर्ड्स एंड एनिमल्स डू, दैट इज वॉट वी डिड. और फिर जो हमारे ऋषिज थे, उन्होंने बहुत तपस्याएं कर करके पढ़ लिख करके हमें अथाह ज्ञान दे दिया शास्त्रों का, वो भी है ढेर सारा है. और उसके बाद हमारे पे इतने सारे ऑलमोस्ट 1800 इयर्स, इनके अलावा भी 1800 इयर्स इन्वेजन्स हुए, किताबें जली, ये हुआ. ये तो हमारे यू नो ब्राह्मण्स एंड ऋषि मुनीस एवरीबडी यू नो प्रिजर्व्ड आवर कल्चर बिकॉज वी हैड अ ओरल ट्रेडिशन. सो बहुत कुछ प्रिजर्व हुआ, बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं. अनफॉर्चुनेटली हम खाली लाइक यू सेड कि कोई एक वो नहीं है कि एक बॉडी जो हमको इकट्ठा कर दे. बट आई डू नॉट रियली थिंक ऑल्सो दैट इट इज नीडेड. इट इज जस्ट दैट ऑल ऑफ अस नाउ दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हम इतनी सब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को और थोड़ा स्टडी, ये भी तो मेरी सिविलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. क्या मेरी कोई एज ए हिंदू, मेरी ईच एंड एवरी वन, क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कोई खाली हमें आकर के पढ़ाएगा, समझाएगा, गाइड करेगा, या गलत गाइड करेगा या मिसलीड करेगा, तो आर वी सपोज टू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो? आर वी नॉट सपोज टू सर्च, रिसर्च? इज दैट नॉट आवर ड्यूटी? डू यू नो कि हमारे शास्त्रों के अंदर हमको ऋण हम पे वो करे गए, इंजॉइन करा हमारे ऋषियों ने कि हमको कुछ ऋण चुकाने हैं. तो जो हमारे पुराण हैं, दोज आर बेसिकली आर इतिहास. ओके, सो वो हमारा इतिहास है ओवर द ईयर्स एंड जनरेशंस ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट ह्यूमन बींग टू अर्थ, हाउ इट इवॉल्व्ड एंड द ह्यूमैनिटी, ऐसे करके उसके पूरे वो है. तो पुराण जो है वो हमारा इतिहास, उसको भी आगे बांटना टू द नेक्स्ट जनरेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे कॉल इट ऋषि ऋण. ओके, ऋषि ऋण चुकाना है तुम्हें, तुम्हें धर्म ऋण चुकाना है, तुम्हें पितरों का ऋण चुकाना है, तुम्हारे अपने सिस्टर्स ने जो तुम्हें दिया उसका भी चुकाना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो भी मेरी खोकर हिस्ट्री का पता है तो मैं उसको पास डाउन करके चुका रही हूँ, राइट? सो हमको भी तो ये सब चीजें करनी है ना. फिर हम पे उन्होंने कुछ कुछ ऐसे नित्य कर्म सौंपे थे कि कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें रोज करनी है. तो अगर खाली इतना सा भी रिसर्च कर लेना हम लोग, एंड वी जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दैट, वी विल बी वेरी पीसफुल, नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स, एंड वी विल बी एबल टू यू नो एक्चुअली ऑटोमेटिकली जॉब. एंड व्हाई डू वी से दैट वी रियली नीड समथिंग like you know like the Abrahamic religions or like these you know book jaisa koi chahiye hame jo hame 5 baar sar patakwa karke niche aur kahe ki ha bas you know hame kyu chahiye kyunki hum progressive log hain, hum progressive world mein bahut kuch pana cha rahe hain, bahut kuch karna cha rahe hain. To hamare liye to hamare shastra to ye bhi kehte hain ki agar tumne 5 minute ka dhyan bhi kar liya to bahut hai, tumne 1 minute ishwar ke aage deepak laga diya to bhi bahut hai, ek agarbatti laga di to bhi bahut hai. जब समय मिले तब ध्यान कर लेना, जब समय मिले तब कॉन्टेम्पलेट कर लेना, है ना. और नित्य कर्मों में छोटी छोटी चीजें ऐसे डाल दी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि उठते से ही तुम अपने हाथों के दर्शन करोगे, वो उसके लिए श्लोक है हाथों में कि करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, कि तुम्हारा कर्म भी तुम्हारे हाथों में, बुद्धि भी तुम्हारे हाथ में है, लक्ष्मी भी तुम्हारे हाथों में. इस तरह के दिन भर के लिए इतने सारे श्लोक डाल दिए, तो थोड़ा थोड़ा सा भी अगर पढ़ के इकट्ठा कर लेंगे तो ये प्लेटफॉर्म्स ही काफी है ना. हमारे संगम टॉक भी तो है, ये प्लेटफॉर्म्स ही काफी हमको एक करने के लिए. व्हाई डू वी नीड अ प्लेस जहां पे हमको कोई खुतबा सुनाएगा और तब हम एक होंगे? दिस इज माय यू नो बिलीफ. और फिर भी हमारी लड़कियां खानों से शादी करके अपने बच्चों के नाम तैमूर रख लेती हैं. तो माँ की भी तो कुछ गलती है, माँ पिता की कुछ गलती नहीं. मेरे ख्याल से 7-8 साल की उम्र से, फ्रॉम दैट एज आई बीन लिसनिंग टू पार्टीशन स्टोरीज. यही स्टोरीज थी मेरे लिए, कोई स्टोरी नहीं थी. और हमने बड़े होते होते जब थोड़ा समझ में आने लगी तो
जब समझ में मिलते थे या कभी मिलते थे तो डैडी को, उनके भाइयों को, मम्मी को, माँ को, उनके मासियों को, इनको जब डिस्कस करके सुनते थे या रात भर इनके साथ बैठ के सुनते थे, वो कुछ याद करते हैं, उस जगह को याद करते हैं, घर को याद करते हैं, किसी इंसिडेंट को याद करते हैं, रोने लगते हैं, ये सब करते हैं, तो वो सब भी देखा। और फिर इतनी बड़ी विद विद ग्रेट प्राइड माई मासी वुड से माई डॉटर इज राइटिंग अ बुक ऑन दिस ऑन व्हाट हैपेंड टू द फैमिली। सो शी माई मासी इज 81, मासी पास्ड अवे, शी वाज 85। तो उनको कॉल करके या कभी मिलके बोलती थी कि नानी ये बता दो, नानी ये इंसिडेंट बता दो, यू नो वट एवर। सो व्हेन शी सेज, माई मासी का पहला जवाब क्या होता है, निक नेम इज निक्कू। सो निक्कू, तुम्हें पता है हम कहाँ से आए हैं? हम वहाँ से आए हैं जहाँ पे राजा पुरु ने अलेक्जेंडर को मार के भगा दिया था। दैट काइंड ऑफ प्राइड। ये कहानी क्यों नहीं सुनाते? नहीं, मुझे तो मेरे बच्चे को वो ट्विंकल ट्विंकल ही सिखाना है, मुझे तो मेरे बच्चे को वो क्या है और दूसरा हैरी पॉटर ही दिखाना है, मुझे तो मेरे बच्चे को पिज्जा ही खिलाना है, मुझे तो मेरे बच्चे को नेटफ्लिक्स ही दिखाना है, मुझे तो उसको 2 साल की उम्र में आईपैड देना है। दो ना, बट कुछ तो अपना भी सिखाओ। यू हैव होप और दैट यू आर श्योर दैट वी विल विन इन द एंड। Could you elaborate on that? Why are you so sure? Why am I so sure? When you live, there are only 2 possibilities. Either you be sure or you be unsure. So if you be unsure, logic is never the answer. I'm not saying logic apply नहीं करना चाहिए, but that is not the answer. क्योंकि वो कहीं cloud करता है तुम्हारे inner insight को. You know, your inner intuition को कहीं ना कहीं cloud करता है, because the moment I say, oh, so shall I go left or shall I go right? So immediately my brain says, okay, if I go right, then this will happen. And if I go left, this will happen. So if I go, so I choose right. So when I choose right, and then I'll give an example. For example, कि अगर it's a common thing कि हम लोग के साथ होता है कि हम, you know, we are driving, suddenly we come to a square or a signal where we see a beggar, you know, common sight है, और suddenly my heart says, oh, I must give something. So मेरा मन instantly क्या कहता है, 100 रुपए देने का, ठीक है? अब ये देखो कि 100 रुपए जेब से निकालने से उसके हाथ तक देने तक मेरा माइंड कितने लॉजिक अप्लाई कर चुका होता है। एक लॉजिक वो अप्लाई करता है, 100 ज्यादा है, 10 बहुत है। दूसरा लॉजिक अप्लाई करता है कि चिल्लर नहीं रखा है क्या यार। तीसरा लॉजिक कहता है अरे ये तो धंधा है। चौथा लॉजिक कहता है मेरे देने से क्या हो जाएगा। कितनी देर लगी? जस्ट फ्यू सेकेंड्स। सो दिस इज वॉट हैपन्स वेन यू जस्ट थिंक आउटवर्डली। सो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। I've been, by the grace of God, worshipping and meditating from the age of 13. So I have been taught ki, and I believe ki jo hamare, jaise jo humse Shiv Shakti ji se kehte hain, ki hum even ek couple ko kya kehte hain, husband wife ko bhi kya kehte hain, ki they are 2 different energies. And the union of those 2 different energies is to rise above their own energy levels. Because one has female energy, one has the male energy. So similarly, within us also, we have those 2 energies. Outwardly, मैं किसी partner के साथ दोनों energies को मिलके raise करूँ, हम पूरक कहते हैं एक दूसरे को, स्त्री पुरुष को। या मैं inwardly अपनी दोनों energies को मिला मिला करके raise करूँ कि मेरा heart center भी जिंदा रहे, alive रहे, कि मैं मेरी empathy, emotion, ये सब भी चालू रहे, and my logic and my brain also functions. So ये balance तो मुझे ही लाना है। आई वुडंट से दैट गोइंग टू अ सत्संग और गोइंग टू अ गुरु और गोइंग टू सम बुद्धिस्ट दिस थिंग इज रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज नो डर्थ ऑफ थिंग्स दैट गिव यू और आइडियाज और प्रिंसिपल्स और शास्त्र और श्लोक्स दैट गिव यू इमेंस पीस एंड इमेंस प्लेजर इन आवर ओन धर्म। देयर इज सो मच इन सनातन, देयर इज नो नीड फॉर अस टू लुक आउटसाइड। अगर आप बुद्धिस्ट को फॉलो करने गए तो वो कहाँ से निकला? 112 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन शिव जी ने पार्वती जी को दिए, विच इज कॉल्ड विज्ञान भैरव तंत्र। उनमें से एक अडॉप्ट करके बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली। तो मैं उधर ही क्यों नहीं जाऊं, सोर्स पे ही क्यों नहीं जाऊं? यू गेट माई पॉइंट? तो अगर मैं खाली सी लाइक यू सेड कि आई सेड द ट्रू वेज, पॉजिटिव बिलीव कर लो या डिसबिलीव कर लो, मान लो या मत मान लो, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू नीड एवरीथिंग। यू नीड मनी,
Yeah, you need a name, you need fame, you need, obviously you need everything. But at the same time, if you're only running after a certain goal of, say, achieving a certain amount of money, the means may be wrong. But if your goal is, you know, achieving, you know, knowing oneself and becoming worth something and giving back something to the nature, or giving back, or being in sync with Ishwar or Narayan, agar mera goal wo hai, तो बाकी सारी चीजें मेरे मेरे कहने में या जो मेरे साथ हुआ भी जीवन में आज तक, बाकी सारी चीजें जो हैं ये ओनली बाय प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मेरा पाथ सही है, पाथ सही रहेगा. सो आइदर मैंने जो भी चीज परसीव करी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आई थॉट ओके, सो ये कोविड के टाइम पे खाली बैठ करके यू नो टॉक्स दे दिए या कुछ लिख दिया, ट्वीट कर दिया, उसके पहले तो नहीं करती थी ज्यादा, आई वॉज नॉट मच ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो, तो वो सब करना शुरू कर दिया, तो सडनली मेरी एनर्जी उठा के कहीं और डाल दी. सो आई एम होपफुल व्हेन आई गो समवेयर, आई एम होपफुल व्हेन आई प्लान अ न्यू बिजनेस, आई एम होपफुल. मैंने ऑफकोर्स जो मुझे करना है उतना मैं सोच लूंगी, बट आई एम होपफुल, आई ओनली लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग एंड देन आई कीप बिल्डिंग ओवर इट एंड दैट इज हाउ आई अचीव. सो आई डोंट नो, I'm hopeful. I'm hopeful always for everything, everything that I do. Given, like we were saying before, no overload of barbarity, you must have a lot of hope. I was hoping to, have you had any personal experience? Because the, like you said, you know, why would people want to come out of this? Why would people not want to come out of this? And yet your personal experience is that they have been brought up that way. They've been brought back. They have been brought up that way, that they don't know that there is something outside of that. So how does one go about, because you could say, well, let us just tell them this history of theirs, that this is the kind of thing they are part of. The question is it likely to bring them back? Is it likely to open their eyes? Is it likely to have a negative impact where they start becoming defensive? Because no, it's a shock to them. I'll again give you a very nice practical example from my own workplace. So we have in the restaurant always, obviously, at least 25-30% Muslims also work. So jo dishwashing mein hai, ya jo, you know, cutting chopping mein hai, ya jo helpers hai, wo mostly idhar se hai. They are mostly from this community. So when I had joined one of our restaurants and that belt jo I told you, jahan pe zyada ye log the, so I was instructed by the company and the people, my colleagues, I was instructed ki jo jaisa chal raha hai usko waise chalne dena, don't interfere in certain things. So certain things I said, whatever, I said theek hai, we'll watch. So one Friday, it was a very busy Friday, it's a 240 250 cover restaurant, very busy Friday, so you have people in waiting, or suddenly we have a live kitchen as well. So suddenly one of the main guys of the tandoor is not there, another one on the grill is not there, do teen log nahi dikhe. So I just asked the server ki kick kidhar hai, to bola ma'am wo namaz ko gaye hain. So I said ke call the guard, I said register leke aao, to khaya ye hai. So I said ye kya hai, to bole ma'am wo to har Friday ko hota hai, Friday ko to jaate hi hain. So immediately uske baad mein briefing hoti hai before the evening meals. So I said, told them I'll take the briefing together today of kitchen as well as the service staff. So I just questioned them. So obviously 15 minute to udhar se wo answers aate rahe ki ye to karna hai, ye to farz hai, ye to ye hai, to ye to ye. So I just told them ki suno, yahan se salary mil rahi hai na, aur tumko bhi pata hai ki maximum business kab hota hai, Friday lunch ko hota hai, Friday dinner, Saturday lunch, Saturday dinner और संडे लंच, ये मैक्सिमम है. तो इसमें से एक दिन अगर मेरा चला जाएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा और कितना कंप्लेंट्स आएंगी और डिससैटिस्फाइड कस्टमर होगा. तो दिस इज समथिंग, दोनों चीजों पे हमारा ऑनर भी खराब, यू नो वो भी खराब हो रहा है, प्रेस्टीज भी खराब हो रही है. सो ये मैं परमिट नहीं करूंगी, तो ये नेक्स्ट फ्राइडे से नहीं होगा. सो वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ द सू शेफ्स, ही टोल्ड मी, इंस्टेंटली उसने मुझे जवाब दिया, वो बंगाल से था, मैडम सब लोग रिजाइन दे देगा. तो सब लोग तो खड़े ही थे, तो आई आस्क्ड देयर दिस थिंग कि हाउ मेनी ऑफ देम गो फॉर दिस, तो ही टोल्ड मी सम 13 और 14 दोनों जगह से मिला के. तो आई टोल्ड हिम कि कैन यू प्लीज गेट यू नो साइन 13 14 रेजिग्नेशन लेटर्स,
So they are looking at my face. I said, sign those, type those, and please have them signed. And I adjourned this thing, you know. उसके अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि गए सारे आज तो व्हाट विल हैपन, आज तो खुद ही किचन में जाना पड़ेगा. बट देन चुपचाप से व्हेन आई लिफ्टेड माय हेड एंड सॉ इन द कैमरास फ्रॉम द ऑफिस एवरीबडी इज वर्किंग, आई केप क्वाइट. दो दिन चुपचाप बैठी रही, मैं कुछ भी नहीं बोला उनको, यू नो. फिर धीरे 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 स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड यू नो टेलिंग देम सर्टेन थिंग्स एंड ऑल दैट, और ऐसा वैसा कन्विंस करना शुरू करा. ऐसे ही सिमिलरली लाइक यू नो बॉम्बे में जब गणपति होता है तो बहुत धूमधाम से होता है, और तो रेस्टोरेंट में भी जरूरी है. तो रेस्टोरेंट में क्योंकि नॉन वेज है सब है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव हिम फॉर लॉन्ग. सो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यू स्थापना करते हैं और 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या कहते हैं आधे दिन के गणपति हैं और उनको विसर्जन कर देते हैं. तो आई डिसाइडेड, आई सेड नहीं यार, ईश्वर से क्षमा मांगो, पूरे 11 दिन रहेंगे एंड लेट अस यू नो हैव हिम, बिकॉज वो लेट्स कीप इट सेपरेट, वो धंधा है और ये है, तो ऐसे करके. तो उसमें भी इनिशियली यही हुआ कि दे विल नॉट कम, दे विल रेजिस्ट. अ बेकर, वन ऑफ द बेकर्स वॉज अ मुस्लिम फ्रॉम झारखंड, सो आई वुड टेल हिम कि उसको सिखाया मोदक बनाना, तो रोज उसकी ड्यूटी ढेर सारे मोदक बनाना, ठीक है. अब वो कि तू बनाएगा और तू आकर के आरती नहीं करेगा, तो गलत बात है, तूने बनाया भगवान के लिए ना, भगवान तो एक होता है. ऐसे 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 छोटी छोटी चीजें कर करके आई सॉट इट दैट ईच वन पार्टिसिपेटेड इन द आरती. आई कैन ऑल्सो शेयर पिक्चर्स एंड वीडियोज विद यू, नॉट जस्ट खड़े रहे, आकर के आरती भी करी, तिलक भी लगवाया. देयर इज वन मोर वेरी क्यूट पर्सन ऑल्सो फ्रॉम बंगाल, वन ऑफ द असिस्टेंट्स, ही वुड से खड़ा होकर देख रहा है, उल्टी घुमा रहा है, यू नो. सो माई डॉटर स्माइलिंग, करने दो, यू नो, उल्टा घुमा जा, सीधा घुमा, कलेवा बांध रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं. ये बात अलग है कि बेचारे बाद में धो देते थे, उनको बाहर डर लगता है जाकर के करने में. बट ऐसे धीरे 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 दे लिसन टू स्टोरीज, दे ऑल नो हाउ दोज पीपल किल्ड. आई कैन ऑल्सो शेयर विद यू, जो ऐसी तरह की मैं पोस्ट डालती हूँ तो मेरा सारा स्टाफ उसके नीचे जय श्री राम और नमस्ते लिख के भेजता है. यू नो, जो मैं ऐसी सारी पोस्ट डालती हूँ कि ये बारबारिटी करी, ये मारा, वो मारा, उस दिन मैंने कुछ रोका डाला कि इसने कुछ नहीं बनाया था, हमारा म्यूजिक पहले से था, उसके नीचे थैंक यू भेज रहे हैं स्टाफ, फ्रेंड्स, पीपल. सो इट इज लाइक ऐसे धीरे 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 ही समझ में आएगी, ये ओवरनाइट तो नहीं चेंज हो सकता. आई मीन लाइक दिस इज यू नो दीज आर लाइक एंडलेस डिस्कशंस बट इंटरेस्टिंग एज वेल, एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी तान्या. Both of you, I must really thank you because it's really nice to be. It's like in these times, you know, bahar nahi nikal sakte kahin pe, you know, we cannot have gatherings, we cannot gather like otherwise. So 100-200 people to yun hi aa jate hain kisi bhi gathering mein. I really appreciate this Hindu Jan Jagriti also. Inke jab hi conclaves hote hain, so they normally give 5 minutes or 10 minutes to people to talk. They've often, I'm so grateful, given me 20 minutes, 30 minutes to talk, and they've given me to talk every day. Because I like very, and sometimes some people have gotten up and come and told me also, yaar, you must come and learn from me, you don't know how to handle these and talks and all that, tumko bahut acche se aata nahi hai ye wo, leave me be, let me be the way I am, you know. I don't want to be a professional, I'm doing the way, because it's very much from my heart, whatever is coming is very honest. So I would have a lot of, you know, these people, bahut acche experiences, you know. There have been times where the you know, I've seen people at least in numbers of 500 to above, you know, sitting and hearing. So this is very nice. Agar hum aise virtually bhi 8-10 of us can sit and discuss and, you know, exchange, kuch chota chota bhi emulate kar sake, kuch chota chota bhi, you know, incorporate kar sake in our life, many things change, you know. Okay. It's not even a question. It's just that I think you should have a presentation on the positives. What you just said was very positive. We need that also. I was just sharing with Tanya the other day. I'm trying to do that. Some two minute kind of videos I'm trying to do. You know, but I am. मुझे थोड़ा सा मुश्किल उसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि I'm trying to do them in Hindi. Because masses तो हिंदी ही हैं. तो पहले मैं जो लिखती हूँ उसको सबको बैठ के ट्रांसलेट कर रही हूँ. You know, so and Hindi also I don't want to use in incorporate Urdu words. So then I go searching for some words. हम भी, it is not, you know, this is what. We've grown up with, you know. In fact, when you say this, मुझे वो suddenly याद आया कि there's this one British friend of mine who I wouldn't want to name him. Since childhood, वो is a big guy in Edinburgh University. उससे मैं जब भी I would बात करते करते I'll fight. तुमने ऐसा किया, तुम लोग ने हमको करा, you know, all that. तो he would always listen, जो मैंने थोड़ी किया types, I haven't done it and all that, you know. So he will tell me, just give me one answer. Why do you people, तुम लोग आपस में भी क्यों English में बात करते हो? I was so ashamed. I was so ashamed. I was
आई हैड नो वर्ड्स कि हम लोगों को इतनी आदत पड़ी हुई है कि हम लोग हिंदी में आपस में भी बात नहीं करते, किसी मॉल में किसी भाजी वाले से जा करके भी अंग्रेजी में पूछते हैं जो बेचारा जवाब नहीं दे सकता है। मैकडी पे खड़े हो जाएंगे तो हम सोचते हैं सामने अंग्रेज ही खड़ा है, आई हैव दिस व्हाट यू डू यू नो। हमको ये बीमारी भी तो सबको मिल मिल के छोड़नी पड़ेगी ना, वाई आर वी नॉट रियलाइजिंग दैट। और हिंदी बोलते हैं तो फिर उर्दू बोलने लगते हैं, तो बहुत थोड़ा मेरे लिए वो कठिन कार्य हो रहा है कि शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना। व्हेन वी से रेजिस्टेंस यू नो, तो लाइक आई सेड कि देयर इज नॉट अ सिंगल सोल हु डिड नॉट रेजिस्ट, हु डिड नॉट फाइट एंड दे डिड देयर बेस्ट। सो फॉर द पीपल हु डू नॉट नो दैट माई वो पूरा डिटेल है ऑन संगम टॉक्स पहले 1947 पे व्हाट माय फैमिली सफर्ड। बट माय नानी शी वाज सो ब्रेव कि जब वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गई तो शी नाना वाज अ स्टेशन मास्टर, वो एकदम तुरंत छोड़ के नहीं आ सकते थे, प्लस ही वाज अ सहारा ऑफ अदर हिंदूज। तो शी सेड कि कोई माय नाना वाज इन जलंधर, तो शी सेड कि माय सिंस माय सन इज देयर, ही वाज हार्डली 20 और समथिंग 1920, शी सेड आई विल गो विद माय डॉटर्स, शी हैड फाइव डॉटर्स, माई मदर द यंगेस्ट अबाउट अ ईयर इन हर लैप, शी सेड आई विल गो, 46 के आसपास की बात है, नो 47 की अर्ली 47 की मार्च 47 के बाद की बात है। तो शी सेड आई विल गो, सो कैन यू इमेजिन उतनी तब मारकाट तो चली रही थी, उतनी डिस्टर्बेंस के अंदर दैट वुमन कैरीड हर फाइव डॉटर्स, एल्डेस्ट वॉज अबाउट अराउंड 15 एंड शी केम टू जलंधर टू हर सन। और वहां पर जब पार्टीशन हो गया और जब मारकाट ज्यादा मच गई तो शी केप्ट टेलिंग हर सन्स लेट्स गो बैक टू गेट योर फादर बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स बिकम ऑफ हिम बिकॉज देयर इज नो न्यूज। सो द ब्रदर्स, टू ब्रदर्स, देन टू मामाज ऑफ माई नेबर, सब समझाते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, वहां से जितनी ट्रेन आ रही हैं लोग कट के आ रहे हैं, वहाँ रिफ्यूजी कैंप्स की हालत देखो, लड़कियां जो आ रही हैं उनकी हालत देखो, और हाउ कैन यू एज अ वुमन गो अलोन, हाउ विल यू गो, आई मीन विद योर टू सन्स यू विल लूज एवरीबडी, यहाँ पांच चार तुम्हारी बेटियां रह जाएंगी, छोटी को ले भी जाओगे बिना बताए किसी को। चुपके से वन डे शी टोल्ड हर एल्डर डॉटर कि मैं बाबूजी को लेने जा रही हूँ एंड शी लेफ्ट एंड शी रीच पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंच गई। रावलपिंडी में घर नहीं मिला, घर जल चुका था, बाबूजी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, गुरुद्वारों में मंदिरों में छुपी रही कितने कितने दिन, अपनी आंखों से उसने जो जो मारकाट देखी दैट ऑल्सो शी डिस्क्राइब। उसके बाद में वन फाइन डे वो बिकॉज बाबूजी स्टेशन मास्टर थे तो कॉन्स्टेंट मिलिट्री से और कुछ ना कुछ कनेक्ट था, तो समाव उस कॉन्वाय के साथ में दे केम बैक। सो माई हाउ माई मासी एक्सप्रेसेस एक्सप्लेन्स व्हेन शी इज क्राइंग एंड टॉकिंग, शी सेज कि गोद में लेके गई थी तेरी माँ को और तेरी माँ पैदल चल के चले आ रही थी, यू नो, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यही मैटरनल साइड पे हुआ और इससे भी बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ, पैटर्नल साइड पे इतना कुछ हुआ। और जो मैंने कहा था ना कि दो, जो हमने अभी कहा कि ये कैसे स्लेव्स उठा करके ले जाते थे, 47 तक स्लेव्स उठा करके कैसे ले करके गए। 47 में हमारी अपनी फैमिली की माँ, माई फादर साइड की फैमिली की एक एक लड़की है जो अबडक्ट कर ली गई थी, मेनी गर्ल्स वर अबडक्टेड। तो वो क्या करते थे कि जब ये, क्योंकि उनको तो पता ही था कि ये तो होना ही है 46 से, तो आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे तो और भी जग जाहिर था कि ये तो होना ही है। सो व्हाट दे डिड एंड दे ऑल्सो न्यू कि कौन से एरियाज उनको मिल रहे हैं, तो वो सारा रिच बेल्ट था, हिंदू बेल्ट था, ऑल मुस्लिम्स वाला एक पुअर्स एंड देवर सर्वेंट्स एंड खेती करते थे एंड ऑल दैट। सो इन लोग मौका देख देख के हिंदू लड़कियां अबडक्ट कर करके छुपा लेते थे। सो वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम अ 14-15 ईयर ओल्ड गर्ल वॉज पिक्ड अप एंड टेकन। जब टाइम आया फॉर द फैमिली टू लीव, सो ऑल एवरीबडी ऑब्वियसली द मदर द फादर वुड रिजिस्ट कि आई विल नॉट गो विद माई डॉटर, यू नो। सो बाकी लोग कन्विंस करते थे कि हम बच्चे हैं या ये जो जवान लड़के बच्चे हैं ये ढूंढ लेंगे, यू गिव गो बिकॉज यू हैव टू बी सेफ, बाकी बच्चे हैं ऐसा ऐसा करके द फैमिली लेफ्ट। उसके बाद एक्सचेंज की भी दोनों कंट्रीज में, दोनों गवर्नमेंट्स में ये चलता रहा कि एक्सचेंज द पीपल जो रह गए हैं यहाँ। हमारी तरफ से तो जो रह गए थे उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लॉट्स ऑफ गर्ल्स, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन वर सेंट बैक, बट फ्रॉम देयर जाते थे ढूंढते थे, नन केम। एंड देन मच लेटर, दिस वॉज जस्ट अ फ्यू ईयर्स लेटर, सम 8-10-12 ईयर्स लेटर, दैट वी केम टू नो ऑफ दैट चाची और हूएवर शी वॉज, डैडी के भाई की कुछ ऐसे, मतलब फ्रॉम वी केम टू नो दैट शी वॉज पिक्ड अप एंड पिक्ड अप बाय हूम, जिस जो हवेली थी उनकी उसी का जो नौकर था उसने उसको छुपा के रखा था। जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन हो जाने के बाद में ऑब्वियसली वो सामने लेकर के आ गया, शी बिकेम ए स्लेव। कहाँ?
उस हवेली की जिसकी वो ओनर है, उस हवेली में वो इस नौकर की स्लेव है, ठीक है, एंड शी इज लिव्ड द लाइफ ऑफ दैट स्लेव. स्लेव माने वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ अ सर्वेंट. कैन वी इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई हमारा नौकर हमको ओन करेगा किसी दिन एज अ स्लेव. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड. बट किस किस तरह की रेजिस्टेंसेस हुई, यू नो. सो इसकी यू कैन गो बैक टू दैट. बहुत सारा कुछ है किस तरह से हुआ. हाउ माई ताऊजी किल्ड 23 मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली टू सेव देम फ्रॉम ह्यूमिलिएशन. सो ऑल दिस ऑल्सो इज देयर. तो ये रेजिस्टेंस तो है और हम सब में है. इट इज इवन इफ वी आर सम ऑफ अस मे बी अ लिटिल अफ्रेड टुडे, दे हैव टू ओनली स्क्रैच द सरफेस अ लिटिल बिट तो आ जाएगी. थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक टॉक. I won't say I'm surprised. I have been reading about Sufism for a very long time, because always confronted this question whether Sufism is equivalent to our saints. I've been reading about it. But overwhelmed, definitely. I think the day we stop being overwhelmed is the day we can consider ourselves dead. So to talk about the other aspect, when I was reading about this Sufism, I also read about Mutazallis. And what happened is Sufism somehow took the dress of Mutazallis to say that, you know, see, Mutazallis actually are we, the ancient forms. Mm. So when we talk about resistance, I was watching this conference that happened in Iran, where they were talking about how this land, which means they were talking about the Hind continent, subcontinent, to say that this is a land of jinns. Jinn unke hisab se ho gaye aapke, you know, preet atma jo bhi aapke hain. Because this land always pollutes Islam. So for example, Mutazali that died in, I think, 9th century, yeah, was revived on this land. But people came back and people revolted, like Bulle Shah, as people call it. He was later on denounced by the Islamic scholars to say that, no, he's not. He's no longer that. Till the time he was, you know, propagating the religion, it was fine. So somehow this land, when we say resistance, we also look at the fact that this land has the potential where mazars, yani, they were not supposed to be worshipped, is worshipped. The tragedy of Hindus is that Hindus are the ones who are worshipping it today, and not the Islam for sure. So that was more of a remark. One question that then we listen to progressive Islamists like Owaisi, and who says that Quran is a holy book, but then the book that we follow is Fatawa Alamgiri. And the tragedy of Hindu society is that we don't have a translation of it. Do you have an idea if there is any version that exists? Or if you could just elaborate on that. Hindi translations to nahi hai, but English translations to hai. Bahut okay hai. Or at least prefaces hai, you know. So there are. And as you said, like translation, almost every work has been translated. But as you say, this one, you said Hindu, like you said, mazars and the worship and all that. So here, I've given you so many examples and, you know, quotes wherein, agar cheezon ko appropriate karke, see, people are suffering. Condition dekho, for example, agar aaj dekho, people are afraid, okay, of COVID. People are suffering. People presume, yeah. So there's assumptions pe, bahut sari cheezon pe dar baitha hua hai. तो यू कैन इमेजिन कि वो टाइम पे किस तरह का डर बैठा हुआ होगा, है ना. उस टाइम पे आज भी अगर मैं सफर करूँ, पर्सनली किसी चीज से सफर करूँ, तो मेरी इनर बिलीफ शेक करने लगती है. और मुझे जो भी कोई हुएवर टेल्स मी कि गुड फलाना बाबा, गुड फलाना पंडित, ही विल सॉल्व दिस फॉर यू, डू दिस, राइट. सो हम अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा जाके चले जाता है. तो अगर हम देखेंगे कि वो टाइम्स पे द हिंदू स्पिरिचुअल बेंट को कैसे यूज किया गया, राइट. And when I told you कि मैंने यहाँ पे कहीं पे रख के रखा हुआ था, I don't know the numbers of you know different mazars at different places. अभी मेरे को इतने सारे papers में से कहीं दिख नहीं रहा है, but I had actually you know jotted that down to share with you कि एक idea लगे कि आज की तारीख में भी कितनी खानका और कितनी मजारे हैं, you know. So you can imagine कि how do you get them out of it? I mean, how will you get people to leave this? क्योंकि जो जिस बेल्ट में रहता है वहां पे ट्रेडिशंस कैसे डेवलप हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इवन इन पाकिस्तान, जहां एंड देन व्हेन यू से
Baba Farid, I told you about. You told about Baba Bhule Shah. Bhule Shah ka follower, you know, kya kar raha hai aaj ki tarikh mein, disciple. Who? Mia Mittu in Pakistan is Bhule Shah's disciple. He is called the abduction and rape factory of Pakistan. Every day, without fail, one Hindu Sindhi girl from Sindh is picked up. 15 दिन तक छुपा करके रखते हैं, 20 दिन तक छुपा करके रखते हैं, फिर एक किसी सड़े से न्यूज़पेपर में आ जाती है कि वो अपने मन से उसने अपना मजहब बदल लिया और शादी कर ली. एंड ही इज द मेन गाय बिहाइंड इट. सो हु इज ही द फॉलोअर ऑफ. अगर अगर कोई मतलब हमने हमने शायद ही रेयरली कभी सुना होगा अपने किसी ऋषि के और किसी साधुओं के किसी फॉलोअर को ऐसी ऐसी ईविल चीजें करते हुए. सो कुछ तो गड़बड़ होगी ना इन द. और एंड वी हैव सेड कि बेशरा थे और बाशरा थे. तो अगर वो शरिया फॉलो कर रहे हैं और बिना शरिया फॉलो करने वाला तो भारत में कहीं आया ही नहीं, ये तो हिस्ट्री है. अगर वो आया ही नहीं तो हर शरिया का फॉलोवर ही अगर आया. एंड व्हाट इज शरिया? फॉलोइंग सुनना एवरी वन वर्ड और एवरी वन एक्ट ऑफ द प्रॉफिट. और इसलिए मैंने उस बुक में से भी आपको बहुत सारे कोट्स दिए. सो अगर वो आया ही नहीं और वैसा हुआ ही नहीं तो पीसफुल कहाँ आया होगा. इट इज ओनली दैट दे यूज the innocent troubled tormented Hindu mind to you know to capture it and convert it, utilize his misery or his pain and you know just converted him that to uske jaisa ban ke, you know, direct sharia bol ke nahi kara hai convert, hai na, direct sharia ban ke kara to jizya lena pada, jhoot bana karke kiya na, deceit se kiya na, pranayam yogi ओंकार शक्ति ये सब हमने बात किया ना अभी. सो कुछ ना कुछ करके, ये तो अभी बहुत कम बात किया है, हम 24 घंटे भी बैठे तो इट विल नॉट गेट ओवर, यू नो. सो ऑफिशियल फिगर्स ऑफ दरगाह, ये थोड़ा पुराना है, ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है. और दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोमिनेंट दरगाह. हम वो छोटी छोटी नहीं बात कर रहे जो हर गली कूचे में, हर ब्रिज पे, हर ब्रिज के नीचे बनी होती है, सड़क पे बनी होती है, उसकी बात नहीं हो रही. ये बड़े बड़े सेलिब्रेटेड, जहाँ पे बड़े बड़े उर्स होते हैं, जहाँ पे आपके पॉलिटिशियन पैसा डालते हैं, जहाँ पे आपके स्टार्स पैसा डालते हैं, जहाँ क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं, फिर उनकी पब्लिसिटी हो रही है, लाइक तानिया सेड की बॉलीवुड. तो एवरीबडी वी नो इट वेरी वेल कि वेदर इट इज वेस्ट और वेदर इट इज इस्लामिक कंट्रीज, कौन इनको फंड कर रहा है, कौन लेफ्टिस्ट को फंड कर रहा है, कौन उनको फंड कर रहा है जो वॉन्ट टू जस्ट स्प्रेड, यू नो, मिसकंसेप्शंस अबाउट हिंदुइज्म, मिसकंसेप्शंस अबाउट आर शास्त्र, मिसकंसेप्शंस अबाउट our rituals and our traditions. तो ये सब 24/7 non-stop काम कर रहे हैं, right? So ये some of these prominent दरगाह जहाँ पे बड़े बड़े उर्स होते हैं, like I told you कि गाजी सलार मसूद की उर्स पे इतना बड़ा उर्स होता है उसके मज़ार पे, और उसके उस बरीच के एरिया में 40 मज़ार्स हैं, ये इसमें काउंट नहीं हो रही जो मैं अभी बताने वाली हूँ, 40 मज़ार्स हैं वहाँ पे. तो इतनी इतनी मज़ारों पे कितने कितने लोग जाते होंगे, कितने कितने लोग ट्रेन होते होंगे, कितने लोगों के ब्रेन्स वॉश किए जाते होंगे, कितने लोगों का पैसा जाता होगा. गरीब से गरीब आदमी भी 2-5 रुपए तो दे आता है. वन ऑफ माई मेड, यू नो, वन डे शी टोल्ड मी अजमेर जा रही हूँ. आई सेड काहे के लिए, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ इयर्स अगो, काहे के लिए? तो मैंने मन्नत मांगी थी, मैंने कहा गई तो आज के बाद इधर पाँव नहीं रखना. एंड शी वॉज वर्किंग विद मी फॉर लास्ट 20 ईयर्स. आई सेड अगर वहाँ गई तो फिर आज के बाद इधर नहीं आना, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से. She didn't go, डर के मारे. नहीं फिर जाएंगे तो बाबा को, तो बाबा है वो, तो बहुत बड़े बाबा ऐसे, तो वो अनपढ़ गवारों को क्या पता है. तो ऑफिशियल फिगर कहता है कश्मीर में ऐसी बड़ी बड़ी 37 खानकाज हैं, उत्तराखंड में 7 हैं, यूपी में 118 हैं, राजस्थान में 43 हैं, पंजाब में 7 हैं, बिहार में 110 हैं, अंडमान में 1 है, महाराष्ट्र में 31 है, हैदराबाद में 14 हैं, हरियाणा में 5 है, झारखंड में 10 है, वेस्ट बंगाल में 8 है, एमपी में 21 है, कर्नाटका 23, तमिलनाडु 5, दिल्ली 42, छत्तीसगढ़ 1, उड़ीसा 3, गुजरात 85, गोवा 3. ये मेजर हैं. और ओवरऑल 400 दरगाह इंक्लूड एक्सक्लूडिंग दिस. सो वी कैन इमेजिन व्हाट वी आर इन फॉर एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हिंदू सिटीजन. Ahead, what do we have, you know, what work do we have ahead of us? Mountain of work ahead of us. So, for example, aapne Faiz ka kaha, maine unki ek wo padh ke aapko suna di. Similarly, Iqbal ka bhi hai, you know it very well. So, isliye, you know, aap kabhi kehte ho ki sare jahan se achha Hindu sta hamara, aur aap uske 5 mein hi kehte ho, aur 10 mein ja kar ke aap kehte ho ki Muslim hai hum sara jahan hamara. यू नो सारा पूरी दुनिया को अपना कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो तेगों के साए में, मतलब हम तलवारों के साए में पल के बड़े हुए हैं,
और कौमी खंजर हिलाल का है, कौमी निशा हमारा। तो आप ये बॉटम लाइन खाली यही है कि उस माइंडसेट में जो उस सुन्ना और शरिया को फॉलो कर रहा है उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वो अपनी जगह जस्टिफाइड है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। मोर देन यू टॉक ऑफ पोएट्स, तो जिसको भी थोड़ा सा थोड़ा नीचे बॉटम में जाओगे तो यू विल कम टू नो। और मैं पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स जस्ट वाइल्ड दिस थिंग क्वेश्चन जो मेरे को अक्सर अक्कर करता है, लाइक वेन वी सेड कि पोएट्री हराम है, म्यूजिक हराम है, लिटरेचर हराम है, ये हराम है, वो हराम है। तो मुझे तो कभी कभी ये भी शक पड़ता है, स्पेशली ऑन द एंशियंट वंस, कि वेदर उन्होंने अपने लिखे भी थे कि किसी पोएट का लेकर के अपना नाम चिपकाया था। आई डोंट नो, ये दिस इज, मेरे को अक्सर ये लगता है मेरे मन में, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसी चीजें भी हैं। आई विल शेयर विद यू सम टाइम। सो बोही खान हैज बीन वन ऑफ आवर स्पीकर्स, और वो कहती है कि मैंने बच्चों के साथ में सेशंस करती हूं, मैं स्कूल चिल्ड्रन के साथ, बिकॉज दे कम टू मी कि मैम ड्राइंग नहीं बना सकते, ड्राइंग हराम है, सिंपल थिंग्स लाइक दैट, म्यूजिक क्लास कैसे अटेंड करें, हराम है, एवरीथिंग इज हराम देयर। और वो जो आपने भी खान बोला तो मुझे एकदम से एक और चीज याद आई, ऐसे क्योंकि एंडलेसली याद है, हम जब डिस्कशन में बैठेंगे तो एंडलेसली चीजें याद आती है। व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द लांगा कम्युनिटी जो अपने आगे खान लगाने लग गई है, तो ये भी जो खान भी बड़ा बड़ा कहते हम खान है, हम पठान है, खान पठान वठान नहीं थे, वो मंगोल्स थे, और खान वॉज ओनली अ टाइटल विच वॉज अंडर विच एनी ब्रेव वॉरियर हु रोज टू अ सर्टन पोजिशन वॉज कॉल्ड खान। So that is how it happened. So anyway, with all my due apologies and all my respect, I would also want to, you know, just say this, ki if somebody, jaise hum karte hain, ki if I marry, I'm a Bhaseen. So if I marry a Sharan, I become a Sharan, hai na? Hum ye karte aaye na, ki we take the name of our spouse's family, because हमारे शास्त्रों में ऐसे ही कहा जाता है कि क्योंकि मैं उसकी खानदान का procreation कर रही हूँ, है ना। तो अगर कितना ही अच्छा हो कि if she married a Hindu husband, had she also you know put his name, would be so nice. और endorse करता है आप जो लड़ाई लड़ रहे हो अगर उस cult के खिलाफ, तो उसको और justify करता है वो। Can you please give me a more definite connection between Bulle Shah and this Sufi and this radical Islamics. I think I've given a lot of these already in quotes, no, no, कि वो क्या फॉलो करते हैं और उनको क्या फॉलो करना है, कैसे शरिया को फॉलो करना है, और कैसे उनके सारे के सारे वो बता रहे हैं कि उनको उलेमा को कैसे फॉलो करना है। तो आई थिंक इट इज ऑल देयर। वो रेडिकल है ये वर्ड आप यूज करो उसके लिए, बट बेसिकली I gave you some quotes from their own book from the very beginning, कि अगर पहला गजवा किया और पहले गजवा के बाद rules lay down कर दिए कि ये allowed है, काफिर की धरती भी तुमको तुम्हारे लिए, तुमने inherit करी है, काफिर की औरतें भी तुमने inherit करी हैं, उसके बच्चे भी inherit करे, उसकी property भी करी है, सब तुम्हारी है, तुम जहाँ जहाँ जाओगे। तो जब ऐसे rules lay down, जजिया भी justified है, conversion भी justified है, taking slaves भी justified है, स्लेव को खरीद करके और ये देखना कि उसमें क्या फॉल्ट है, उसको रिटर्न कर देना, ये भी जस्ट, जब इतनी सारी चीजें हैं तो हमको क्या चाहिए और ये मानने के लिए कि रेडिकल है या वो शुद्ध है या वो ऐसा नहीं सोचता है। और आई डोंट थिंक देयर इज आई कैन आंसर दिस बिकॉज ये तो कंफ्यूजिंग है ना। मतलब मैं आपको वही तो बोल रही हूँ कि यही जो मैंने आपको 2 घंटे दिखाने की कोशिश करी है वो कि ये सच है बॉस, इसको आप खोल के देखो। My question is this, ma'am. So you said that, you know, so many civilizations, they fell down when the Islam community entered there, right? But even though we may not have institute, in the sense we may not have support groups and all that, still our civilization has survived, our Sanatani Dharma has survived for so long. Though we have been a very peaceful community, we have not gone and you know violated any other nation, but when others came, we did not even protect our temples, still we survived. How did we do that? When others fell, we did protect our temples also. We were not able to protect some, but we did fight. For I'll give you an example of the Somnath Mandir में ब्राह्मण्स के अलावा 50,000 citizens, I mean normal नागरिकों ने लड़ा, do you know that? 50,000, they were not warriors,
एंड और भी एक चीज देखो कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड नन ऑफ द सिविलाइजेशंस हैड एवर फेस्ड बारबारिक पीपल. दे हैड ओनली फॉट प्रोफेशनल आर्मीज. वी हैड ऑल्सो फॉट, वी वर ऑल्सो यूज टू फाइटिंग प्रोफेशनल आर्मीज, चाहे आपस की हो चाहे किधर की भी हो. सो वी वर नॉट यूज टू दिस बारबारिज्म के कोई भी उठा के रूल्स फॉलो नहीं करेगा और कैसे भी कुछ भी काट डालेगा, यू नो. सो और सब्टरफ्यूज यूज करेगा, डिसीट यूज करेगा, ट्रेचरी यूज करेगा. वी रेजिस्टेड, वी फॉट. जो रुतबिल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, रुतबिल, हाउ डिड द सन सेकेंड रुतबिल डाए, कि तब पर्शिया में एक सैसनेट करके शॉट सफारिद शॉट ये का किंगडम बना था. वो जिसने बनाया था दैट वाज याकूब बिन लैथ. ही वाज अ कॉबलर इट सीम्स और अ कॉपर स्मिथ दे से, एंड ही वाज आल्सो अ थीफ एंड व्हाट एवर दे टॉक अबाउट हिम. तो उसने वो खड़ी करी थी. उसने भी बहुत से इंट्रूजन्स करे और फिर बहुत इंट्रूजन्स के बाद व्हेन ही फेल्ट दैट ही यू नो लॉस्ट, so he couldn't win them over, so he again sent a request ki I want to meet you in person and I want to, you know, we just want to come to a peace, sign a peace treaty with you. So obviously jab aisa hota tha to kaise hota hai ki akela to koi milne nahi aata. It is like two senas, thode thode log aamne samne aayenge, you know, like that. So both came aamne samne. So he, this guy was on his horse, obviously the Rutbil also was on horse with his warriors and all. To usne kaha ki mujhe aakar ke jhuk ke aapko wo karna hai, you know, सलाम करना है. तो ही कम्स क्लोज टू हिम एंड ही जस्ट टेक्स आउट हिज लैंड्स एंड थर्स्ट हिम इन रुतबिल. ओके, सो ये इस तरह का भी नॉन स्टॉप हमारे पास अकाउंट्स है. जब राजा दाहिर फेल एंड राजा दाहिर के पहले व्हेन देबाल फेल तो एक कन्वर्ट को एक सीरियन के साथ राजा दाहिर के पास एक मैसेज देने भेजा था, जो भी एक लेटर देने भेजा था. सो द सीरियन जो था, सीरियन मुस्लिम, वो तो उसने तो झुक के राजा को विश किया, बट जो नया था उसका नाम था मुल्ला इस्लामी, वो एकदम ऐसे अकड़ के खड़ा रहा. तो somebody from राजा दाहिर's court said कि तुमको क्या धर्म बदलने के बाद क्या तुमको कोर्ट के जो बेसिक एटिकेट्स हैं डेकोरम है वो भी भूल गया कि तुम्हें नहीं पता है कि राजा के सामने सर झुका के राजा को एटलीस्ट प्रणाम करना है. तो वो अकड़ के ही खड़ा रहा हाथ पीछे बांध के. उसका बराबर चाकनामा के अंदर डिस्क्रिप्शन है, मुल्ला इस्लामी सेस कि मेरा नया धर्म मुझे किसी के आगे झुकने की इजाजत नहीं देता. ओके, सो हम एक तो इस तरह के मेंटल मेकअप, जैसे जैसे वी सॉ कि जनसरी बनाई ओटोमान्स ने, तो उन्हीं के लोगों क्रिश्चियंस से ही क्रिश्चियंस को मारा. ठीक है, और वहाँ पे जाकर के बुखारी बनाई तो मारा. तुगलक ने हिंदुओं को उठाया और सेना में डाला और स्टॉन्च जिहादीज बनाया, फियर्स जिहादीज बनाया और हिंदुओं को मारा. तो वी कैन सी क्लियरली सी दैट. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जब राजा जयपाल व्हेन ही लॉस्ट, सो वहाँ पे एक प्रोविंस है घोर प्रोविंस करके, जहाँ पे कावर्ड्स होते हैं. तो वो घोरी थे लोग, हाँ वो हिंदू कावर्ड्स थे जो गाय भैंसे बकरियां चराते थे. दे वर कन्वर्टेड, दे बिकेम घोरी. सो वाज मोहम्मद घोरी अ हिंदू कन्वर्ट एंड ही वाज आल्सो द सन ऑफ अ हिंदू मदर. सो इस तरह का आप ये देखो कि नॉन स्टॉप एक तो रक्त बीज के जैसे बढ़ते चले जा रहा है, फैलते चले जा रहा है, आपको सराउंड करते जा रहा है. लेकिन जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आई फील उन क्वेश्चंस से ज्यादा हमारे पास आंसर्स हैं. वी जस्ट नीड टू लुक अ लिटिल डीप इनसाइड, वी हैव मोर आंसर्स. किसको कहते हैं 1385 ईयर्स हो गए, नियरिंग 1400 ईयर्स, है ना, 1385, 87, 86 व्हाटएवर ईयर्स हो गए. आज भी अगर आप ये कहते हो कि 80% तो है ही ना मोटा मोटा, या सो द रेजिस्टेंस, या द रेजिस्टेंस एंड आल्सो द लव एंड द रिस्पेक्ट एंड द बिलीफ इन माय धर्म. How can I? I am not even permitted to hurt a tree, you know. हमारे यहाँ पे अगर पूजा के समय तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं या पुष्प तोड़ने हैं पूजा के लिए, तो मंत्र है कि आपको जाके पहले उस पौधे की परमिशन लेनी है. You know that? You are supposed to हाथ जोड़ो and take permission कि मैं ईश्वर के चरणों में चढ़ाने के लिए क्या आपके पुष्प ले सकता हूँ. ऐसे ही पेड़ को काटने के लिए भी वो मंत्र है, और उसको पहले तुम जो कुल्हाड़ी है उसको हनी में लगाओगे,
मतलब मधु में उसको करोगे, पहले वृक्ष की पूजा करोगे, और पहले तो तुम काटोगे नहीं, काटना अगर किसी कारणवश नेसेसरी है तो ये सब करके फिर उस पूरी रीति रिवाज के साथ जाकर के उस पुष्प को का पेड़ को काटा जाएगा। जहां आपको सांप को दूध पिलाना, दूध पिलाने का ये मतलब थोड़ी कि दूध लिटरली पिलाना है, दूध पिलाने का मतलब ये है कि तुम्हें उसको भी हर्ट नहीं करना है, वो ईश्वर की बनाई हुई एक बनाया हुआ एक जीव है, अगर आप उसको नहीं छेड़ोगे तो वो भी आपको नहीं छेड़ेगा। जस्ट गो ऑन माई, लाइक शी सेड, फॉलो द ट्विटर, जस्ट गो ऑन माई ट्विटर एंड सी, जस्ट बिफोर दिस थिंग महाशिवरात्रि आई हैव अ स्थापना ऑफ नर्मदेश्वर इन माई हाउस, तो एवरी ईयर वी सी ह्यूज कोबराज, एंड अ डे टू डेज बिफोर कम से कम 2 घंटे तक हम उसको देखते रहे, उसके वीडियो बनाते रहे, इज ए सिटिंग देयर, और पूरा फन निकाल करके इस सिटिंग दे। सो अगर आप उसे कुछ नहीं कह रहे, तो जो धर्म आपको एक चींटी को भी मारने के लिए परमिशन नहीं देता, उससे भी शिक्षा लेने को कहता है कि देखो वो कैसे काम कर रही है, वो कैसे मेहनत कर रही है। और जब आपको कहते हैं कि प्रहलाद जाकर के वो कहते हैं खंबे को लिपट गया भगवान समझ करके, व्हाट डज दैट मीन, कि उसकी फेथ इतनी स्ट्रांग है कि ईश्वर कहते हैं कि ओके इस तपते हुए खंबे को भी मैं, होलिका जल जाएगी लेकिन नथिंग विल हैपन टू यू। सो ये जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में, वो तो प्रीडेस्टिन्ड है, उसने लिखी है, लेकिन जब तक भी जीवित है वो हमारी फेथ है, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता उसको, हमको कोई जिसे कह रहा है कि चींटी को भी मत मारो, उसे कहेगा उठा तलवार और काट दे सामने वाले को, यू कैन नॉट डू इट, तो हमारी नेचर नहीं, हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हमें ये भी क्या कहा गया है कि धर्म रक्ष, व्हाट इज दैट, धर्म रक्षत रक्षित, कि तुमको जाकर के अगर आवश्यकता पड़े तो तुमको वो भी करना पड़ेगा तो करोगे, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा माने क्या, हिंदू किताब की रक्षा के लिए नहीं, हम किताब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं फॉर द ऑर्डर ऑफ दिस नेचर, हम वी आर नॉट फाइटिंग फॉर अ बुक, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, वी आर फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर नेचर, फॉर एग्जिस्टेंस एट लार्ज, somebody is fighting for somebody's fancies, that's the only difference. So that is why the hope, as you as Ashwin said and as Girija ji said, you said ki hum kaise nahi extinct hue, hum ho hi nahi sakte kyunki is tarah ki itni khatarnak belief lekar ke andar chal rahe hain, kaise ho sakte hain. And Brahma ji says, you know, ki ek bhi ramayan padhne wala jab tak is dharti pe hoga tab tak Shri Ram rahenge, and they say shastra se ki ek bhi ved padhne wala, ved puran padhne wala jab tak is dharti pe hoga sanatan rahega. So what hopes, what more do we need to believe? I'm just curious to know that Khusro Khan, did he change his name after killing Mubarak Khilji? हाँ, उसने कुछ नसरुद्दीन ऐसे कुछ करा था जिसका मतलब था कि which meant धर्म रक्षक, something like that. He had changed it to something like that. And one more thing, मतलब हमें जो ईस्ट में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, this is nothing, हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता actually, जो नहीं 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 पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता है कि अकबर बहुत महान था, टिपू सुल्तान बहुत महान था, बहुत से किया वो किया, but actually things are not like that. तो इसका भी I think if you remember जब हमने पिछली वाली talk करा था, इसके पहले वाला first part, तो straight away यही I think उसके उसमें भी I had mentioned this कि अगर हम 1947 को ये मानते हैं कि दो लोगों में division हुआ और धरती और आपने भारत भूमि को डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि दो कल्ट, दो एक कल्ट और एक धर्म एक साथ नहीं रह सकते थे, ठीक है, और वो डिवाइड हो गया, डिवाइड जब हो गया तो जब वो साथ रह ही नहीं सकते थे इसलिए डिवाइड हुआ कि एक पार्टी इधर चले जाओ, एक पार्टी इधर रह जाओ, ठीक है, फिर वो नहीं रह पाने वाला यहाँ रह गया, नहीं रह पाने वाला रह गया एक, और उनमें इंपॉर्टेंट लोग कौन रह गए, जिन्होंने उस दूसरे टुकड़े के लिए लड़ाई करी थी, जिन्होंने पाकिस्तान मांगने के लिए लड़ाई करी थी, उनके भी कुछ प्रोमिनेंट लोग यहाँ रह गए, वो प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पे आ गए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पोस्ट उनको पोर्टफोलियोस क्यों दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टन प्रोविजंस क्यों करे गए, अगर आप ये, तो ये सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि कुछ साल नहीं पूछोगे कि लांगा था और खान लगा दिया आगे तो 2 जनरेशन बाद भूल जाएगा, ऐसे ही 70 साल तो 2-3 जनरेशन हो गए, भूलना शुरू हो गए, नेचुरल सी बात है, कुछ हम जैसे बेवकूफ हैं, भूत हैं जो ढूंढ रहे हैं सच, यू नो, बट बेसिकली तो आपने क्या बोलते हैं, कोशिश तो यही करी है सबको हटा देने की, क्यों हटा देने की कोशिश करी, क्योंकि जस्टिफाई कैसे करोगे, ये जो कृत किया है आपने
कि पार्टीशन के बाद भी उनको यहाँ रखा, उसके बाद उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट दी, पहला शिक्षा मंत्री ऐसे बंदे को बनाया, ऐसा बंदा जो यूनिवर्सिटी बनाता है, जो जिहाद की फैक्ट्री है वो भी सर कहलाता है यहाँ पर और पूजा जाता है, सर सईद अहमद खान। हाँ, इस तरह के लोगों को जब तुम ग्लोरीफाई करना ही पड़ेगा ना, तुमको कहना ही पड़ेगा ना कि एक जगह पे नेहरू कहता है कि इस्लाम के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री। हमने कहा कि ये तो कह रहे हैं हराम, म्यूजिक भी हराम है, ये तो कह रहे हैं पढ़ना लिखना भी हराम है, ये तो कह रहे हैं लिटरेचर फलाना ढिकाना आर्किटेक्चर सब हराम है, और हमें तो ये कहा जा रहा है कि आर्किटेक्चर भी इनकी देन है, हमें कहा जा रहा है पोएट्री भी इनकी देन है, हमें कहा जा रहा है म्यूजिक भी इनकी देन है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहते, हम तो कंचे खेल रहे थे यहाँ बैठ करके, हमें तो कुछ आता ही नहीं था। तो दे हैड नथिंग, उनका कुछ नहीं था, हमसे सीख के हम, वो कहते हैं इनका ये एक शेर है कि हम ही से सीखी अदाएं हम ही पे वार किया, तो मतलब हम क्या कहते हैं हम ही से सीख करके हमारी चीजें ही और तुमने प्रेजेंट कर दी। जो मैंने कहा है ऑल माय डाउट्स, ये भी ढूंढ रही हूँ बहुत जम के मैं, कि ओरिजिनल लिखी हुई थी पोट्रीज की किसी और की चिपकाई है, अपना नाम चिपका है ऊपर, हाउ डू यू नो व्हाट इज द ट्रूथ, इतनी बुद्धि है भी ऐसा कुछ शायरी करने की। तो ये जो सब कुछ करा गया, सो आपको आपको क्लियर क्लियर सी बात है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ग्लोरीफाई किया जाता है, इसलिए वो जो टावर है जहाँ पे 225 होल्स हैं जिसमें कि हिंदुओं के खोपड़ियाँ फिक्स करी जाती थी, आप कहते हो अरे वाह व्हाट अ स्ट्रक्चर, हाँ ताजमहल व्हाट अ स्ट्रक्चर, ये क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं उसको, प्यार का वो व्हाटएवर सिंबल, सिंबल ऑफ लव, किसी का मकबरा किसी का सिंबल ऑफ लव हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आप क्यों करते हो, क्यों, क्योंकि आप उनके बुद्धि से, आप उनकी स्मरण शक्ति से, उनकी स्मरण से, क्या कहते हैं उसको, स्मृति से आप हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हो कि आपका इतिहास सच्चा इतिहास ये था, क्योंकि जब तक तुम इसको जस्टिफाई नहीं करोगे तो रोज कोई खड़ा हो जाएगा बोलने के लिए, भाई इनको क्यों रखा है, भाई हमारे इनको क्यों, इनके इमामों को क्यों सैलरी देते हो, मेरे पंडित क्यों भूखे मरते हैं, ठीक है, मेरे मंदिर के पैसे से क्यों तुम हज पे भेज देते हो लोगों को, पूछेंगे ना ये सब, सच सच तो छुपाने पड़ेंगे ना। इस अभी पूरे वो समा उनके वो कहते कॉफिन खुलने शुरू हो गए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, उन्होंने कभी इमेजिन नहीं कहा था, सोचा था 100 सालों बाद भूल जाएंगे बेवकूफ कि इनका कुछ था भी, सब कुछ बाहर से आके लोग दे गए थे। तभी तो आप देखते हो ना यूसी यूट्यूब या वायरल हो जाते हैं वीडियोस की, कोई जाकर के बेनजीर भुट्टो का भी वीडियो है, शी इज यू नो ग्लोरीफाइंग एंड प्रेजिंग दिस वन, व्हाट्स हिज नेम, बिन कासिम, बिन कासिम को वहां पे रेवर किया जाता है मोर देन जिन्ना इन पाकिस्तान, उसको पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बिगिंस विद बिन कासिम, ठीक है, इस तरह की चीजें। थोड़े दिन पहले एक मौलाना का वीडियो था जो सोमनाथ के वहां जाकर के उसने वीडियो क्लिक किया था कि यहाँ पर आया था बादशाह और उसने यहाँ पर जो है इसको जमीन दोष कर दिया, ये कर दिया और इस्लाम का परचम लहराया एंड ऑल दैट, ये सारी मेंटालिटी आती कहाँ से, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, इतनी हिम्मत वहीं से आती है ना गलत हिस्ट्री से, और हम बेचारे हमारे बच्चे चुप होके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। मीनाक्षी जी फॉर शेयरिंग यू नो पेनस्टेकिंगली गैदर्ड इंफॉर्मेशन प्रोबब्ली ओवर अ डेकेड और इवन मोर, so it opens a lot of I hope it opens a lot of eyes, no? जो आपने चोरों का किला का बताया, you know, it's very strange, just about 2-3 weeks back I was watching one of Shekhar Gupta's videos on his YouTube channel The Print. Okay. And he gave a totally different story of this Choro ka Kila. He said that the king here, the sultan or whoever, he used to every day around 200 to 300 thieves were brought in front of him and they were looting the whole place around and he used to kill them and hang their heads. Yes, so people used to come and watch the, okay, today 300 thieves have been killed. One, we are watching that we are fighting. Theek hai? Constantly. Har jagah. हर प्रोविंस, उनके अपने हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि कभी भी कहीं पर रेस्ट नहीं रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवोल्ट करता रहा। तो पहली बात तो ये सवाल, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि कहीं पे बड़ा कोई पीस था और बहुत अच्छे से कोई राजपाट और कुछ चल रहा था किसी का और कहीं पे कोई चोरी कर रहा था। अगर कोई लड़ रहा था तो देवर एक्चुअली फाइटिंग दीज बारबेरियंस, मतलब इतना डू यू थिंक कि किसी को इतनी पड़ी होगी कि वो जाके चोरियां कर रहे होंगे 300 लोग रोज कहीं पे, लाइक यू सेड। यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट इंस्टेंस मुझे याद आया,
ऑफ उड़ीसा, उत्कल देश, कोई बात ही नहीं करता है उसकी, यू नो। तुगन खान ने जब उसको अटैक किया, दिस इज अराउंड 1000 or 1100 or something. So the Raja, मतलब जो हम कह रहे थे ना कि जो जब जो that was, this was the first time जब हमने trickery का use किया, मतलब हमारे किसी राजा ने किया, क्या किया कि this guy, उसने बोला कि surrender कर दो, तुगन खान ने, और surrender करने के लिए उसने क्या बोला कि you come to the chalk of because you said mandir, no, Sukheji asked mandir, to mujhe ekdam se yaad aaya ki Jagannath mandir ke chalk pe aakar ke surrender kar do, apne biwi bacche, auratein bacche, mahilaen bacche de do, aur sare hathiyar hathiyar surrender kar do, aur aakar ke Islam ko qubool kar lo, theek hai. To he agreed, the king agreed, and what did he do? He evacuated the entire city, sara ka sara, puri jo hai, और पूरा एरिया, अपने सारे ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, विमेन, सबको दूर 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 भेज दिया, घर खाली कर दिए, नगर खाली कर दिए, एंड ही लेट हिम एंटर. वो तो बड़ी खुशी खुशी आ रहा था, उसको पता था कि आज तो सबके सभी मुसलमान होने वाले हैं और सब खुशी से सरेंडर करने वाले हैं. ही लेट हिम एंटर राइट टिल द चौक. जैसे ही वो चौक में घुस गया, अंदर तक नगरों से गलियों से निकलता हुआ, तो जो घरों में और नगरों में और गलियों में जो सारे वॉरियर्स छुपे हुए थे, हिंदू वॉरियर्स, एक साथ घंटी बजाई, सिग्नल दिया, एंड दे ऑल अटैक्ड एंड दे कट दिस बगर इनटू पीसेस. मतलब इसकी पूरी की पूरी आर्मी का सफाया कर डाला पकड़ के. सो इस तरह की ब्रेवरी की हमारे पास यू नो स्टोरीज हैं. और कोई हमें आकर के कहेगा कि 300 चोर काट करके रोज वहां डाल देते थे हम तो, एंड द वे आर पॉपुलेशन वॉज रिड्यूसिंग, वी वर स्टेन, आर ऋषिज वर वरीड एंड देवर ट्राइंग कि हमारे नंबर्स इनसे कम नहीं हो जाए. सो इवन देन देवर सो इंटेलिजेंट एंड सो स्मार्ट दैट दे न्यू कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, लोगों को वापस लेने के लिए क्या करना है, इनसे रेजिस्ट. सो देवर फाइटिंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स. एंड इवन वेन द सीरियंस हैड कम टू इंडिया, यू नो दिस, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ 47, बट इवन वेन द सीरियंस हैड कम टू इंडिया, देवर सो स्मार्ट. ये लोग क्या करते थे, इवन जो जो मुफला की भी जब बात हुई कि जब ये आए थे, वी टॉक्ड इन द लास्ट टॉक अबाउट इट, कि जब ये आए थे तो दे बेग्ड कि हमें एक अपना पूजा का जगह, पूजा के लिए स्थान बनाने दो, एंड द यू नो किंग अलाउड हिम, अलाउड देम वन दिस थिंग, व्हाट यू कॉल, मस्जिद, और फिर वो बढ़ गई, और फिर ये हो गया कि उस रीजन में वो 60% हो गए. तो डेमोग्राफिक चेंज से क्या होता है, दैट ऑल्सो नो. जब ये सीरियंस आए थे तो इनको ये पता था, लाइक वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, कि हमने, क्योंकि हम डाइल्यूट नहीं करना चाहते थे, ऐसे भी हमारे पास में जब अलेक्जेंडर भी आया था तो हमारे पास में ऐसे ऐसे प्रिंसिपैलिटीज थी, ऐसे ऐसे जनपद थे जहां पर कि चूजिंग योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड नॉट द पीपल. यू नो वाई? बिकॉज दैट ब्रेवरी जो थी उनके डीएनए में, वो डाइल्यूट करना नहीं चाहते थे. वो जो डिफेंस और जो धर्म था वो डाइल्यूट करना नहीं चाहते थे. तो दे वुड चूज कि एबल बॉडीड, यू नो, कंपैटिबिलिटी, ताकि अच्छे, सुंदर, स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान वॉरियर्स निकले, बुद्धिमान जनता निकले. तो दे इवन पेड अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड मेंटल एंड फिजिकल एंड इमोशनल फिटनेस. सो वो भी स्टेट डिसाइड करता था कि तुम शादी किससे करोगे, यानी किसी भी गधे से उठ के कर ली और बाद में रोते हुए आ गए आड़े तेड़े बच्चे पैदा करके. सो दिस इज वॉट हैज हैपेंड टू आर दिस थिंग. सो इफ यू लुक एट कि महाराणा प्रताप 7.5 फुट के, पुरू राजा 7.5 फुट के, महाराणा प्रताप का भाला 40 फुट का, 40 किलो का, 40 किलो तो तुम यूं ही नहीं उठा सकते हाथ में, वो उठा के फेंक रहे हैं, नो 80 किलो का, 40 किलो की, 39 किलो की बाजीराव की तलवार, ये सब कैसे पॉसिबल था? ये सब रखे ना म्यूजियम्स में, ये झूठ थोड़ी है. सो आज आपको कैसे दिखते हैं कि आपके स्ट्रक्चर्स रिड्यूस हो गए, हाइट्स रिड्यूस हो गई, ये कैसे खराब हुआ? जो खराब होते जाती है ना, तो इसलिए हम लोगों ने जब मलेच्छ आए, जब यवंस आए थे, तो यवंस को ही जब हम मलेच्छ कहते थे, मलेच्छ जब आए थे, यवंस आए थे, तभी से डिसाइड हो गया था कि शुद्धि बंदी, किसी नॉन कम्युनिटी वाले से शादी नहीं करनी है, लोटी बंदी, बेटी बंदी, बेटी नहीं देनी है, पानी शेयर नहीं करना है, रोटी बंदी मैंने खाना शेयर नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारा कुछ हो गया था. सो this is what we've been doing to save our identity and to save our the brave DNA that we have. Okay, so us cheez ko maintain karne ke liye what all responsibilities even the states applied. So
that is the kind of responsibility we need to apply even today. And I've really forgotten what I was, something very serious that I was going to say, but nevertheless. I'd like to ask you the question regarding the recent changes that we need to make in our NCRT textbooks or even for the history textbook, because recently when I saw the textbooks of my sister, who is a student in CBSE, I was a student from Maharashtra SSC. We used to be taught history of Maharashtra Shivaji Maharaj, how the Kondana Kila was captured and everything such as that. But what these people are being taught is that the French Revolution, how great a King Akbar was, and how Tipu Sultan fought the Britishers and everything. Mm-hmm. Are there any steps being taken towards the rectification of the history? Because most of the time what I see is that people from our side, the history that is transmitted through the family mouth-to-mouth orientation. Because my mother taught me that this happened, and even my grandmother and everyone. But if because of today's lifestyle, if people don't share the generational experience with their children, they are going to be brainwashed into a liberal, commie, leftist or anything such like that. But I really wish I was a politician and I could answer that. I really wish I could do that, but that is why I said it is a civilizational responsibility. Now at the end of the talk, I'm really feeling relieved that I have with quotes and sources aapko aaj slides diye, because what will happen at least koi question samne nahi aata. So I think that is what we all must do, whoever writes, whoever creates contents, put in sources, put forward truth and facts, so that it is not, jo aap keh rahe ho books wali baat, wo to maine bhi dekhi hai. I've seen it with my brother's daughter, who was, uska pura ka pura is year ka history jo hai, that is total Islamic history. Isme kuch bhi Indian nahi hai. Total, yahan tak ki fatwa kya hai, yahan tak ki namaz kya hai, azan kya hai, ya ye roza kya hai, all that also she's studying in history. Can you believe that? So I know that it's a very unfortunate thing, and I think I don't know how our voice must reach, and how we should reach out to the people who make the changes or who are responsible, that this has to be changed, that it has to be changed fast. Jab tak, humko to nahi rukna hai na, humko to karna hai, whatever we must do.